नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप सबको पता ही है कि किसान आंदोलन क्या है, क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। हमारे आज के जो मेहमान है वो टीवी पैनलिस्ट एंड कंसल्टेंट विश्लेषक ए के मिश्रा जी हैं, जिनको आप मोस्टली प्राइम टाइम चैनल्स पर इंडिया में देखते ही होंगे। आज वो हमारे साथ यूरोप से जुड़े हैं। मिश्रा जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनु मैम, थैंक यू, आपने हमें जोड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। मिश्रा जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे इतने शानदार पैनलिस्ट हमें भी मिल जाते हैं यूरोप में बैठे हुए। नहीं, आप मिश्रा जी डिजर्व करते हैं, आपका प्रोग्राम डिजर्व करता है। तो काफी, हम तो कुछ भी नहीं, हमने देखे हैं आपके प्रोग्राम, वर्ल्ड के जाने माने जो ग्लोबल थिंक टैंक है उनके मेंबर्स आपके साथ जुड़ते हैं और काफी अच्छी परिचर्चा रहती है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। मिश्रा जी, आज का जो हमारा सीधा सीधा सब्जेक्ट है वो किसान आंदोलन पे है। पिछले इतने महीनों से हम देख ही रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ और किस तरह से वो बढ़ रहा है आगे। लेकिन मेरा सबसे पहला और अहम सवाल यह है, जिसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि तीन बिल है क्या और इनका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए मैम, एक इसको अगर किसान आंदोलन को समझना हो और बिल को समझना हो तो थोड़ा आप पहले जाइए। ये जी पर्टिकुलरली जो टॉपिक है एग्री इकोनॉमी का है। आजादी के टाइम पे या उसके पहले बोला जाता था कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है, यानी जी किसानों की हालत ऐसी थी कि दैवीय आपदा और इन सब चीजों के ऊपर वो निर्भर करती रहती थी। और आजादी के बाद से ही कई तरीके के प्रयास हुए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसी सरकार ने प्रयास नहीं किए, सरकारों ने प्रयास किए, उसके बाद भी जो प्रयास के रिजल्ट रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा। किसानों की प्रॉब्लम, मैंने तो भारत भ्रमण किया हुआ है और हम भी उसी एक किसान परिवार से आए हुए हैं। कुछ किसानों को छोड़ के, ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, लेकिन एक नए तरीके के जमींदार, मॉडर्न या इस तरीके के जमींदार उभर आए थे लगभग 70 सालों में। अब ये एग्रीकल्चर बिल क्या है, आप इसको समझिए। ये एक एग्रीकल्चर बिल ऐसी चीजें हैं कि जो कि पिछले 70 सालों में एकीकृत तरीके से किसानों की जो समस्याएं थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, उनका समाधान नहीं हो सका था, उसके निराकरण करने के लिए ये बिल है। उसमें प्रोविजन चाहे जो भी रहे हो, मैं आपको प्रोविजन भी अभी बताऊंगा कि क्या क्या मोटे तौर पे वहां पे प्रोविजन रहे हैं। देखिए है क्या, किसानों की समस्या क्या थी कि किसान साल भर मेहनत करता था, एक फसल के लिए 3-4 महीने मेहनत करता था, लेकिन एग्री इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स वगैरह के जो स्टूडेंट रहे होंगे वो समझते होंगे डिमांड और सप्लाई का। जब एग्रीकल्चर की सप्लाई शुरू होती है, यानी फसलें कट के खड़ी होती हैं, तो सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनका दाम गिर जाता है। दूसरी चीजें क्या होती हैं कि बीच में कुछ ऐसे स्टोर करने वाले लोग जिनको आढ़तिया बोलते हैं, वो साल साल भर 2-2 साल तक स्टोर किए रहते थे, और जब क्राइसिस होती थी, जैसे गेहूं के सीजन के बाद, जब गेहूं का सीजन नहीं है, आप गेहूं निकालेंगे तो आपके उसके दाम अच्छे मिलते थे। इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सका था। जब आलू की उपज होती है तो आलू 1.25 रुपए, 1 रुपए किलो बिकता है, और वही आलू बाद में 40 रुपए, 50 रुपए, आपने भी देखा होगा टमाटर 100-100 रुपए किलो बिकता जाता था। सबसे जी बड़ी समस्या यहाँ पे ये थी कि एग्रीकल्चर की जो प्राइसिंग है, यानी किसानों को मूल्य कैसे मिले, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। ये टू इंड प्रोसेस है। टू इंड प्रोसेस है कि डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जाए। अगर ऐसा है कि बहुत कम प्राइसेस पे जो है सामान बिकने लगे तो किसान की नाराजगी होती है कि हमें प्राइस नहीं मिल रही है, और बहुत महंगा हो जाए तो पब्लिक चिल्लाना शुरू कर देती है कि भाई टमाटर 100 रुपए किलो हो गए हैं तो हम खाएंगे कैसे। ये एक दुधारू तलवार की तरह ये समस्या थी, और ऐसे बैलेंस्ड वे में चलने की थी कि न पब्लिक को, यानी उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो कि सामान महंगे मिल रहे हैं, और किसानों को भी लागत के बाद उनकी उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट ने 2-3 बिल जो है, एक बिल में 2-3 प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, जिसको कि किसान बिल कहते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि किसानों को लागत मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी। किसानों की समस्या का समाधान देखिए जो इस बिल में इंट्रोड्यूस किए गए थे, भाई लागत तो आपको मिलेगी, मार्केट से ही मिलेगी, आप खुद ही पैदा करके तो उसको खरीदेंगे नहीं ना। खरीदने वाला जो उपभोक्ता है, वो चाहे जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, उपभोक्ताओं में भी, कंज्यूमर्स में भी पूरी एक चैन होती है, तो वो उपभोक्ता यानी मार्केट यानी बिजनेसमैन, चाहे वो शहर का छोटा सा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई डायरेक्ट कंज्यूमर हो, प्राइस या पैसे तो आपको वही देगा, पहली चीज। तो इसके लिए इस बिल में क्या किया गया कि भाई जो सारी चीजें ओपन मार्केट में जा रही हैं, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा से ये मांग होती रहती थी कि भाई एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ठीक
ठीक है, डायरेक्टली उसको उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन ये बिल ऐसा था कि इंडस्ट्री को, यानी मार्केट और इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से क्लब किया जा रहा था, दोनों लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा था। अब देखिए इस बिल के प्रोविजंस क्या थे, इस बिल के प्रोविजन बड़े सिंपल और एग्री इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के फंडे से आप समझेंगे तो बड़े रिलायबल और वाजिब है, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। कारण ये है, मैं बोलता हूं कि आपके घर में 100 क्विंटल की फसल पैदा हुई, आप उसके मालिक हैं, आप उसको बेचने के लिए स्वतंत्र हैं जहां अच्छा मूल्य मिले। केवल एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं हो सकता है एमएसपी से ज्यादा देने वाला भी खरीदार आपको मिल जाए, तो मार्केट में आप कहीं पे भी बेचने के लिए फ्री हैं। और उसके बाद एटलीस्ट मार्केट में इंफॉर्मेशन डालने के लिए तो आप फ्री हैं, एडवर्टाइज करने के लिए फ्री हैं कि हमारे पास ये रखा है और हमारी लागत इतनी है। एक होता है कि जो प्राइस कौन तय करेगा, प्राइस तय करता है मार्केट के डायनामिक्स। यहाँ पे एक चीज ये था कि एमएसपी जो है वो जो है गवर्नमेंट तय कर दे, वो भी कहीं किसी न किसी लेवल तक मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बाद में बताऊंगा। तो पहला प्रोविजन ये था कि मार्केट को ओपन कर दिया जाए, किसान और कंज्यूमर डायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली मिलके किसी डील को फाइनल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इस बिल की जो थी वो ये थी कि मार्केट किसान जो थे, जो एग्रीकल्चर थे, वो मेनली गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहते थे कि उनकी फसलों की खरीदारी कैसी हो, कैसे हो, थ्रू एमएसपी। केवल जी एक ही उनके पास था, ठीक है गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया था मंडी वगैरह, ये एक हर्डल भी था और ये एक सुविधा भी थी। लेकिन जिस देश में 70% लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर के जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे फिशरीज जी वगैरह, पशुपालन, उस पे जी निर्भर है, आज भी आप देखिए 17% का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर लॉकडाउन में 3 से 3.5% की ग्रोथ उसने जो है रजिस्टर की थी, और जॉब के मामले में 50 से 60% ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है यहाँ पे रोजगार क्रिएट करते हैं। इतने बड़े सेक्टर के लिए जो मंडी की व्यवस्था थी वो कतई कदापि भी आप वो सोचिए सफिशियंट नहीं थी। और मंडी व्यवस्था भी आप सारे राज्यों में जाके देखिए, वहां पे कुछ स्टेट में ये बहुत अच्छा था, पंजाब में। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें जरूरत और बड़े मार्केट की है, तो क्यों ना मार्केट को ओपन किया जाए, केवल मंडी में ही क्यों जाके किसान जहां पे भी चाहे प्राइवेट कंपनियों को जो ये चिप्स वगैरह बनाते हैं, आटा वगैरह रेडीमेड बनाते हैं, उनको बेच सकते हैं। इसी तरीके से जो बायर्स है यानी कंज्यूमर से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इनवाइट किया गया, ये प्रोविजन डाला गया कि आप लोग चाहे तो डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। एक सबसे मूलभूत समस्या थी जिसको कोई सरकार आज तक, मतलब मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, सरकारों ने प्रयास भले किए लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो ये था कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारे उसमें साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक और नॉलेज चाहिए होता था। अगर पर हेक्टेयर की मैक्सिमम आपको मैक्सिमम कैपेसिटी में जमीन की उत्पादकता को आपको कंज्यूम करना है, आपको डेवलप करना है, तो आपको साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, उसके साथ साथ आपको टूल्स एंड टेक्निक भी चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, रासायनिक खाद दवाइयां, ये सब चीज चाहिए। मैं उन 10% 15% किसानों की बात नहीं कर रहा हूं जो मर्सिडीज से चलते हैं, कार से चलते हैं, जिनके यहाँ ट्रैक्टर एक होता है लेकिन मर्सिडीज चार खड़ी रहती है। मैं देश के उन 60-70% गरीब किसानों की बात करता हूं जिनके पास ये भी क्षमता नहीं होती है कि वो बाजार में या शहर में कृषि केंद्र पर चले जाएं और ये सारी जानकारियां ले लें। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्री हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का मतलब इतना बड़ा बवाल करके इन लोगों ने खड़ा किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अगर किसी ने दस्तखत किया तो पता चला वो जमीन ही वो बिजनेसमैन ने पूरी खरीद ली। अरे ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी दो तीन डिफरेंट क्लॉज है। पहला क्लॉज ये है कि आप 100% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, मतलब आपने जमीन उनको दे दिया एक पर्टिकुलर तय रेट पे, वो पूरा हो गया, आपने उनको दे दिया, वो जमीन उनकी हो गई, कुछ समय के लिए वो फसल कैसे भी करके उगाए, उसमें कोई भी डाले, उनके लेबर लगेंगे, उनके टेक्नीशियन लगेंगे। दूसरा पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दो तीन प्रोविजंस है। प्रोविजंस ये है कि भाई पहला प्रोविजन ये होगा कि पहले ही आपको बता दिया जाएगा पर यूनिट पर क्विंटल के उपज के हिसाब से हम आपको इतना देंगे, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह वैज्ञानिक सपोर्ट हम आपको देते रहेंगे, बाकी सारी चीजें आप अपने देख रेख में करिए। ये ऐसे ही हो गया कि आपको कोई एक एक्सपर्ट मिल गया बताने के लिए कि भाई अब टेम्परेचर सही है, या बीज डालने के पहले लाइए हम मिट्टी, आपके मिट्टी की जांच करा ले,
तो एक टेक्निकल सपोर्ट मिल गया तो इसमें है तौबा करने की जरूरत क्या है। तीसरा ये है कि भाई आप उपजाइए और जितनी उपज होगी उस हिसाब से हम बाध्य होंगे आपका खरीदने के लिए। तो ये तीनों ही चीजें तो किसानों के सपोर्ट में दी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में हर आदमी करता है, प्राइवेट कंपनी हो कैसी भी चीजें हो, हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे किसान को इंडस्ट्री सिस्टम के, मार्केट सिस्टम के जो बेनिफिट है वो देने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, तो इसमें हायतौबा मचाने की क्या जरूरत। इन तीनों चीजों से जितना सरकार, देखिए सरकार ने समस्या की जड़ पर प्रहार किया। किसी भी सरकार, भारत सरकार में सरकार के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो हर एक किसान को फैसिलिटेट कर सके सारी चीजें। तो वहां पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की मदद ले रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। अपने देश के उद्योगपति, अपने देश के वैज्ञानिक, अपने देश के व्यापारी अगर नियम और कानून के हिसाब से वो चीजें करें तो उसमें क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं है, वो कोई बाहर के लोग तो है नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण इन लोगों ने हल्ला मचाया और र्यूमर कुछ ऐसे क्रिएट किए कि इस बिल से किसान जमीनों के हाथ से निकल जाएगी, जमीनों के मालिक कॉरपोरेट या बिजनेस घराने हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने र्यूमर ये क्रिएट किया कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, किसान वो व्यापारी आएंगे सारी चीजें जो है लूट करके लेकर के चले जाएंगे, फसल भी ले गई, ये सारे र्यूमर की बात थी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने फोकस जिस पे किया, देखिए अगर आप डाटा उठा के देखें 25% से ज्यादा अनाज जो पैदा होता है हमारे यहाँ, लगभग 25% से ज्यादा रख रखाव की कमियों के कारण, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस न होने के कारण नष्ट हो जाता है, चूहे खा डालते हैं, सड़ जाता बिल्कुल है। FCI के गोडाउन में आप कभी सड़क के किनारे से गुजरिए तो बरसात के टाइम पे देखिए बोरी की बोरियां सड़ती रहती हैं, उसमें फर्मेंटेशन आ जाता है, वो पौधे जो है गेहूं या चावल के जम जाते हैं बरसात के कारण। तो देखिए इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट या ये लोग जो अभी सिस्टम है पूरी की पूरी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, ना स्टोरेज की ना इन चीजों की, और गवर्नमेंट करना चाहे तो उसको करने भी नहीं दे रहे हैं। अरे कोई अच्छी चीज हो रही है, जिन कंपनियों की एक्सपर्टाइज है उन स्टोरेज में, भंडारण में, ट्रांसपोर्टेशन में, या बीज को सुरक्षित रखने में, नए नए तरीके के बीज उपजाने में, उनको गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है, प्रमोट कर रही है कि आप ये फैसिलिटीज हर जगह दीजिए पूरे देश में। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें तो किसान का ही बेनिफिट होगा और किसान के साथ साथ कॉमन पब्लिक का बेनिफिट होगा। जो कभी रेट हमारे टमाटर के 100 रुपए पहुंच जाते हैं तो कभी 25 पैसे पर किलो के हिसाब से किसान, भाई चाहे तकलीफ किसान को हो या कंज्यूमर को हो, देशवासियों को तो ही तकलीफ हो रहा है। तो इस गैप को जी मैनेज करने के लिए ये बिल था और नाहक ही इस पे हल्ला मचा रहे थे। मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि ये किसान आंदोलन का कोई राजनीतिकरण हुआ है? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो नॉट ओनली इसी दौरान वायरल हुए हैं, पहले भी सालों से हम देखते हैं जब सीजन होता है देन हमारे पास स्टोरेज प्रोसीजर हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, तो वो खुले दलान में हमारा अनाज होता है, तो वो वाकई वो कभी बारिश से खराब हो जाता है या जानबूझ के भी उन्हें पानी से खराब किया जाता है ताकि बियर फैक्ट्रीज और उनको वो प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि मोस्टली इस तरह के जो मैम फैक्ट्रीज हैं आपकी वो आवाज थोड़ी पॉलिटिशियंस के धीमे हैं। आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए, आपकी आवाज धीमे आ रही है, शायद आपका वॉल्यूम डाउन हो गया। जी नहीं, मेरा फुल है मिश्रा जी, अभी ठीक है? अच्छा ठीक है, देखिए अभी ठीक मैं थोड़ा है? ईयरफोन लगाता हूँ। जी, लगा लीजिए। देखिए हाँ, आपने जो बोला कि जी आप एक बार अपना सवाल शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें आपने अभी जो पॉइंट आउट किया कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो जब सीजन होता है तो हमारे किसानों का जो अनाज है वो सड़कों पर या इस तरह से खुले आसमान के नीचे सेल के लिए होता है, मंडियों में भी जब पहुंचता है, और जी उसमें उसको कई कई बार बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं वो पानी डाल के उसको गीला रखते हैं ताकि वो फर्मेंटेट हो, ताकि वो बिल्कुल बियर बिल्कुल फैक्ट्रीज को दिया जा सके। इसमें कितनी सच्चाई है? और जो किसान नहीं, आंदोलन का एक तरह से राजनीतिकरण हुआ है, ये क्या है? देखिए आपका जो पहला सवाल है बड़ा जेन्यून है। इस देश को जब स्वतंत्रता मिली, राजनीति तो हर चीज में, वो स्वतंत्रता जी आंदोलन जब डिक्लेयर हुए हम स्वतंत्र, तो तब भी राजनीति हो गई और देश का बंटवारा हो गया, बंटाधार हो गया राजनीति के कारण। तो जी तब से लेके अब तक हर चीज में राजनीति होती ही आ रही है, और 2014 के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक राजनीतिक जो हवेली बनी थी, जो महल खड़ा किया गया था उसको बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। देखिए ये आंदोलन जेन्यून या नेचुरल क्यों नहीं है, स्वतः स्फूर्त क्यों नहीं है, समाज के एक लार्जर सोसाइटी के
कि बेनिफिट के लिए क्यों नहीं था, मैं आपको बताता हूं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, जरूरत नहीं है कि आप वहां जाइए उनके साथ बैठिए तभी आपको पता चलेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, किसी आंदोलन का अगर नेचुरल नहीं है तो वो आंदोलन हेट्रोजीनियस होता है, कैरेक्टर वाइज सॉरी, जी वो होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस जी नहीं होता है। मतलब जी उसमें एक ही तरह के लोग रहेंगे, उनका इनकम ग्रुप वगैरह सब कुछ एक होगा। जो बिल्कुल आंदोलन स्वतः स्फूर्त होता है उसमें समाज के अमीर गरीब हर जाति धर्म के लोग वहां पे जुड़ते चले जाते हैं, तो जी हेट्रोजीनियस तो ये था नहीं। आप आंदोलन की जितनी वीडियो पड़ी है उसमें देखिए, लगभग सिमिलर काइंड के आदमी एक जियोग्राफिकल एरिया से, एक इनकम लेवल के, एक मानसिकता के लोग थे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई आंदोलन नेचुरल नहीं है, समस्या के कारण, नेचुरल समस्या को दूर करना उसका प्रायोजन नहीं है, तो दो तीन चीजें और होती हैं। उसका जो जियोग्राफिकल कवरेज होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। यहाँ इन्होंने कोशिश बहुत की इसको पूरे देश में फैलाने की, लेकिन एक क्लास विशेष को छोड़ के, चाहे वो किसान रहे हो, किसान है तो वो भी क्लास विशेष के थे, अपर लेवल के जो किसान थे, मैंने बोला जिनके यहाँ जी एक ट्रैक्टर कम होता है, एक ट्रैक्टर और 5 मर्सिडीज खड़ी रहती है, जो मीडिया वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, जो नेता वगैरह भी सपोर्ट कर रहे थे, वो भी एक क्लास विशेष के थे, जिनके लिए ये बिल लाया गया, जो सीमांत मतलब हाशिए पे खड़े किसान है, वो तो इसमें कोई शामिल ही नहीं है ना। ये पूरे देश में ना तो गांव से आवाज उठी, ना कहीं से आवाज उठी। लोग टूर करने के लिए चले आते थे, चलो जी किसान आंदोलन हो रहा है, जी और जब फाइव फाइव स्टार लग्जरी होटल की फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो फ्री में अगर किसी को टूरिज्म मिला है, लॉकडाउन में बैठे बैठे लोग बोर हो गए हैं, तो चलो जी कर लेते हैं, फुट मसाज भी कर लेंगे, एसी टेंट में भी रह लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। तो वो कुछ दिनों के लिए वहां पे जो फ्री बीज वाले लोग होते हैं, यंगस्टर्स वगैरह आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, और वो इसको आंदोलन समझने लगे। गए थे ना टिकैत साहब बंगाल, गए कहाँ गए, बीच बीच में खबरें आई थी हर जगह, लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत चरितार्थ कर दी। तो राजनीति यहाँ पर भी हुई, और केवल मतलब देश स्तर की ही राजनीति नहीं, इंटरनेशनल लेवल की राजनीति हुई। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए, भारतीय समाज की, आप मुझे देखिए, हमारे यहाँ की जो परंपरा है, मियाँ खलीफा का प्रोफेशन क्या है, आपको लगता है कि उनको किसानी का कुछ नॉलेज होगा? कुछ नॉलेज होगा ठीक हाँ बात है। उनको, और वो ट्वीट कर रही है भारत के, मतलब हजारों किलोमीटर दूर भारत के किसानों के ऊपर कर रही है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा में एग्रीकल्चर, और वहां के किसानों का क्या सिचुएशन है, और जी यहाँ पे क्या है, टोटली डिफरेंट है। उधर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि वोट बैंक बहुत जबरदस्त है, यहाँ के बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं उस जी मानसिकता के लोग, तो किसी राजनीतिक दबाव में वो जबरदस्ती, मतलब दाल भात में मूसर चंद बने हुए हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान बने हुए हैं। तो राजनीति केवल क्षेत्रीय स्तर पे नहीं हुई है यहाँ पे, राजनीति यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी हुई है, और उसके पीछे कारण है। देखिए, एग्रीकल्चर केवल इंडिया ही नहीं, एक ग्लोबल लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंस ये अपना रखता है, क्योंकि खाद्यान्न की, खाने पीने की चीजों की सप्लाई हमेशा इधर से उधर होती रहती है, कहीं कमी होती है, जी कहीं कुछ होती है। भारत का किसान या एग्रीकल्चर सेक्टर अगर उस तरीके से हो जाए जैसा करेंट गवर्नमेंट चाहती है ना, तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में भारत की साख जम जाए, भारत के पैर बड़े मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, आप ये देखिए, विंटर उंटर में जहां 4 4 महीने बर्फ पड़ती रहती है यूरोपियन कंट्री में, उनको सस्ते में ब्रेड कहाँ मिलेगा? आप मुझे ये बताइए ना, गेहूं कहाँ से जाएगा? कौड़ियों जी के भाव से गेहूं तो यही जाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल रैकेट है जो कि इस चीज को नहीं करने देना चाहता था। अब उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि कुछ रसूखदार जो आढ़तिये हैं, जो स्टोर करने वाले हैं, यहाँ एक्सपोर्टर है। मैं आपको बताऊं, आप भी जानते होंगे, हर चीज के एक्सपोर्टर है, चीनी के जी एक्सपोर्टर है, गेहूं जी के एक्सपोर्टर है, हर चीज के एक्सपोर्टर है। इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ वो इतने सस्ते में एक्सपोर्ट कर देते हैं कि शायद लागत भी ना हो। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज, और जहां बिना कोई काम किए, जहां एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो कौड़ियों के भाव पे वो यहाँ से लेते हैं, और बहुत कॉस्टली उसका ब्रेड प्रोड्यूस करके, उसमें भाई केवल फैक्ट्री या मिल में ही तो उसको, जैसे आटा बनाते हैं, बना करके थोड़ा सा महीन बना देते हैं, फिर वो ब्रेड सप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरनेशनल रैकेट नहीं था। मियां खलीफा और चाचा और फॉरेन के लोग, और फिर पाकिस्तान का भी कनेक्शन निकला था, एक कोई यंग एज का लड़का है जो आईएसआई के जी इशारे पे धरना प्रदर्शन दे रहा था। तो ये हो गई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, जहां पे राजनीति भी साधी गई थी कि भारत में एक आग भड़काई गई, कुछ जिसको देश विरोधी आप आग बोल सकते हैं, फिर कुछ देश विरोधी नारे भी लगे, कुछ ऐसे तत्व भी उस आंदोलन में शामिल हुए। मैं ये बोलता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर है,
अगर आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं तो क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे देश विरोधी तत्वों को आप आंदोलन से बाहर रखिए? अगर वो आ गए तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप तो सरकार को या पुलिस कर्मियों को या किसी को घुसने ही नहीं दे रहे हैं। दो दो किलोमीटर का जो आपने कब्जा किया है उसमें किसी बाहरी आदमी को आप घुसने नहीं दे रहे हैं। तो न केवल राजनीति हुई है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी जालसाजी थी, अपने गद्दारी थी अपने देश के साथ साथ। ज्यादातर जो सीमांत किसान है, सबसे बड़ा जो पाप किया गया वो ये किया गया कि कुछ ऐसे किसान जिनके पास ट्रैक्टर केवल एक होता है और मर्सिडीज उनके दरवाजे पे चार खड़ी होती है, उन छोटे छोटे हजारों करोड़ों किसानों के हक पे उनकी निगाह थी, उनके पेट की रोटी पे उनके चूल्हे की आग को, इस आंदोलन को पानी बना करके डाला गया है ताकि उनके यहाँ चूल्हा ना पके, चूल्हा ना जले, और उनके पेट पे ये लात मारा गया है। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि पीठ पे लात मार लीजिए लेकिन पेट पे कभी किसी के लात नहीं मारनी चाहिए। जी 70% ऐसे जो सीमांत किसान है, 50%, 60% उनके पेट पे लात जो है इन कुछ लोगों ने मारा है। तो ये जघन्य अपराध है, ये राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। जो ये सारी नौटंकी हुई, 80 से ज्यादा किसान मर गए। शर्म की बात, आप ये देखिए, एयर कूल्ड टेंट आपके पास है, बरसात से बचने के लिए टेंट आपके पास है, आपके पास हीटर है, रूम हीटर है, एयर कंडीशन है, फुट मसाजर है, गर्म पानी नहाने के लिए है, और खाने पीने की तो पूछिए ही मत, फिर क्या क्या चीजें होंगी। दिन में खाने के लिए होगा, रात को पीने के लिए भी होगा, मिनरल वाटर होगा और सारी चीजें, और जो लाइफ के जो लग्जरीज होते हैं, जो लस्ट और इन सब चीजों की जो व्यवस्था होती है वो भी होगी। मैं गया नहीं हूं लेकिन होगी जहां पे इतनी व्यवस्था। ये आंदोलन फेक आंदोलन इसलिए था कि मैं आपको बताता हूं, जो जेन्यून आंदोलन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक और सिम्टम डिफरेंट होते हैं। जो जेन्यून आंदोलन होता है वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वहां पे चीजों को सुन करके लोग खुद मोटिवेट होते हैं और हर जी हर घर से आदमी निकलना शुरू हो जाता है। जो ऑर्गेनाइज होता है आंदोलन, उसमें ये फैसिलिटीज होती है कि रहने के लिए आलीशान एयर कंडीशन टेंट आएंगे, मसाजर आएंगे, रोटी बनाने के लिए मशीनें आपको आएंगी, पूरी सप्लाई चेन इन लोगों ने बना के रखी थी। तो ये ऑर्गेनाइज था। तो ऑर्गेनाइज तो केवल दो ही चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, आप इसको ऐसे मानिए जैसे कहीं विद्रोह होता है, आप एग्जाम्पल लीजिए, विद्रोह कभी ऑर्गेनाइज नहीं होता है लेकिन वॉर जी हमेशा ऑर्गेनाइज होती है, मिलिट्री ऑर्गेनाइज रहती है। इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने किया, इनको इनकी इकोनॉमिक कैलकुलेशन देखिए, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, कि एक्सपेंसेस कितने होंगे तो कितने फंडिंग की जरूरत होगी, तो पर डे फंडिंग कितनी करनी पड़ेगी, कितने आदमी हमें डेली लाने हैं और कितने आदमी वापस अपने गांव में जाएंगे ताकि उसकी इंटेंसिटी कमजोर ना होने पाए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन इन्होंने करके रखी थी। तो पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड था, पूरा मैनेज्ड था। इतना अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो वो मैनेज्ड है, उसमें मैनेजमेंट की पूरी फिलॉसफी लगी हुई है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये फेक और आर्टिफिशियल आंदोलन था। अगर ये फेक और आर्टिफिशियल आंदोलन नहीं रहता तो जेन्यून आंदोलन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, ये किसी भी कहीं पे भी किसी ने ये चीजें नहीं बताई होंगी, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप उठा के उदाहरण देख लीजिए दुनिया में, जो जेन्यून और अपने आप आंदोलन पैदा हुए हैं, किसी समस्या को लेकर के, जेन्यून समस्या को लेकर आंदोलन पैदा हुए हैं, वो इतना, कौन से आंदोलनकारी को आप मुझे बताइए कि एयर कंडीशन टेंट रहने को मिल रहा है, पीने को मिनरल वाटर मिल रहे हैं, यहाँ नॉर्मल टैप वाटर तो मिल नहीं रहा है लोगों को, किसानों को खेत में पानी देने के लिए नहीं मिल रहा है, सूखे पड़ जी रहे हैं, और ये ऐसे किसान है कि इनको जो है आल्स पर्वत का वो कौन कौन से ब्रांड के ये मिनरल वाटर लेकर के बैठे हुए हैं। और इतने निष्ठुर ये लोग थे, 80 से ज्यादा किसान मर गए। इतनी फैसिलिटी होने के बाद इनको अकल नहीं आई, या ये करना नहीं चाहते थे कि कम से कम एक डॉक्टर ही तो वहां पे अपॉइंट कर सकते थे, क्या डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते थे? या तो अकल नहीं थी या विल पावर नहीं था। तो ना अकल थी इनके आंदोलन में, ना कोई विल पावर था, ना कोई जेन्यून रीजन था, ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कॉन्सेप्ट था। किसी भी आंदोलन का कॉन्सेप्ट होता है सोसाइटी के लार्जर पार्ट को लाभान्वित करना, दुखों से मुक्ति दिलाना, चाहे वो धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी हो। तो ये सारे जी कैरेक्टर तो मिलते ही नहीं है इस आंदोलन में, तो हम कैसे इस आंदोलन को जेन्यून माने? मिश्रा जी, जैसे आपने अभी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी भी इसके पीछे थी, आपको याद होगा 2016 में जस्टिस ट्रूडो के जो किसान थे वो सड़कों पे दूध फेंकते घूम रहे थे क्योंकि उनकी किसान विरोधी नीतियां थी। उसके साथ ही एक और चीज, मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को शायद आइडिया नहीं होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से यूनिट है जो दुनिया भर के देशों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से काम होता है और जो किसानों के लिए बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो वॉच रखती है दुनिया भर के देशों के किसानों पर।
जस्टिस ट्रूडो गवर्नमेंट ने भारत सरकार के खिलाफ वहां पे एक अपील की हुई है कि भारत सरकार दुनिया में सबसे बेस्ट एमएसपी अपने किसानों को देता है। हालांकि हमारे एमएसपी कानून नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत सबसे हाईएस्ट देता है। तो उन्होंने अपील ये की है मिश्रा जी कि भारत सरकार को मैसेज कम्युनिकेट किया जाए कि वो एमएसपी डाउन करे, क्योंकि अदर कंट्रीज के किसान इसकी डिमांड करते हैं, अपने अपने जीडीपी के हिसाब से डिमांड करेंगे, ऑफ कोर्स ये नेचुरल सी बात है। तो एक तो ये कॉन्स्पिरेसी डायरेक्टली जुड़ती है और हमारे पब्लिक और किसान तक ये बात सीधी सीधी जा नहीं पाती। बस कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो चला दिया, वीडियो बोल दिया तो ये हो गया जी, वो भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। जब वो अपने किसानों का हित नहीं देख सकते तो भारत के किसानों का क्या देखेंगे। दूसरा, आपने एक पॉइंट कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि परंपरागत खेती जो हम सदियों से करते आए हैं, क्या उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है? देखिए मैम, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भाई एमएसपी आप कम करिए। एक चीज मैं जी आपको और बताऊं, ये जितने इंटरनेशनल जैसे मॉनेटरी फंड हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब जो है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनको बनाने वाले तो वेस्टर्न कंट्रीज है। ये सारे ही मिलकर के सबसे पहले अपना हित देखते हैं। मैं आपको जी बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर ये सब कॉन्स्पिरेंसी नहीं होगी तो उनको रॉ मेटेरियल ब्रेड बनाने का सस्ते में, उनको उनके यहाँ खेती तो होती नहीं है, और होती बिल्कुल भी है तो वो काम नहीं करना चाहते हैं, सस्ते में कहाँ से मिलेगा। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाई आप एमएसपी कम करिए, ताकि ग्लोबल लेवल पे जो है उसकी खरीद यानी उसका रेट जो है, और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से डिक्लेयर हो जाए कि भाई जी इसका रेट इतना है। हाँ, तो वो तो चाहेंगे ही कि उनको फ्री में मिले। ये भी एक भारत को लूटने की ये एक तरीके की साजिश है, जो जस्टिन ट्रूडो वगैरह ने ये सब चीजें किया है। साजिशें अभी भी चल रही हैं, पहले जी डायरेक्टली लूटते थे, अब इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन सरकार बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। मैं इस चीज का भी पक्षधर हूं। मैं आपको बताऊं कि अगर गवर्नमेंट को और किसानों को लगता है ये एमएसपी कम है और सरकारों ने बढ़ाया है टाइम टाइम पे, तो आप उनको 10% और ज्यादा एमएसपी दीजिए। लेकिन देने का तरीका, उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी ये जितने किसान आंदोलन बैठे थे, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई ये जितने भी एमएसपी जाएंगे ये डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएंगे। कांग्रेस के नेता दौड़े दौड़े पहुंच गए, कह रहे आप ऐसा कर रहे हैं गलत। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आढ़तियों का पत्ता जो है, जो बिचौलिए होते थे, वो साफ हो गया। पहले जी यही लोग जो है एफसीआई को भी सप्लाई यही करते थे, मार्केट को भी यही करते थे, एक्सपोर्ट हाउस को भी यही सप्लाई करते थे। और एक घटना अभी कुछ दिन पहले और हुई है, पंजाब में एमएसपी जो है वो 1900 रुपए के आसपास है गेहूं का, यूपी बिहार में शायद 1100 रुपए है। एक जी किसान ने पकड़ा कि 50 ट्रक खड़े हुए हैं, जब उस पर छानबीन हुई तो मामला का खुलासा हुआ, पता ये चला कि ये लोग देखिए सिंडिकेट कैसा है, यूपी बिहार से सस्ते में गेहूं खरीदते हैं, 1100 रुपए पर क्विंटल, 200 रुपए पर केजी के आसपास ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 1200-1300 रुपए, फिर भी 700-800 रुपए के मार्जिन पे पर क्विंटल के हिसाब से वो वहां पे गवर्नमेंट को ही बेच रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट को ही बेच रहे हैं। और खरीदने वाले कौन है? पंजाब गवर्नमेंट। बेचने वाले कौन है? पंजाब गवर्नमेंट के एजेंट, जो दलाल बने हैं, जो आड़ती बने हुए हैं। तो ये तो नेक्सस है। खैर, फिर ये खुलासा हुआ, इस पे काफी बवाल हुआ। मैं ये बोलता हूँ कि पंजाब में या किसी एक हिस्से में अगर कोई किसान या ग्रुप समृद्ध हो गया है, तो यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, वहां पे किसान क्या समृद्ध नहीं होने चाहिए? वहां मार्केट या भंडारण की सुविधा आधुनिक तकनीक नहीं पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए किसान आंदोलन अब धीरे धीरे करके अब ये शरसैया पे पड़ गया है, खत्म होने के कगार पे आ गया है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था ट्रेडिशनल, देखिए अभी क्या है, मैं इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। दोनों ही चीजें हमें करनी है। अभी आप देखिए ऑर्गेनिक खेती की बहुत जबरदस्त तरीके से बात चल रही है। अगर ऑर्गेनिक खेती की मतलब हम घूम के फिर वहीं आ गए कि जहां हम रासायनिक केमिकल उर्वरक डालते थे, खाद डालते थे, फर्टिलाइजर, अब उसकी जगह ये हो रहा है कि भाई आप गोबर डालिए और ये जो नेचुरल होते हैं खाद बनाने के जो तरीके होते हैं आप वो डालिए। तो आगे आने वाले दिनों में जो परंपरागत तरीके रहे हैं एग्रीकल्चर, देखिए गाय भैंस में भी अब ये हो रहा है कि भाई जो संकर वर्ण के गाय भैंस है उनका दूध ना पिया जाए, जो देसी नस्ल के गाय भैंस है उनका दूध ज्यादा पिया जाए, और उनको खाना वाना भी प्योर नेचुरल खिलाया जाए, ना कि उसमें कोई केमिकल वगैरह मिला हो। तो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक, बहुत सारे प्रॉपर्टीज कार्सिनोजेनिक होते जा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो परंपरागत तरीके से खेती की जाए, ऑर्गेनिक खेती की जाए, लेकिन तब भी विज्ञान का या टेक्नोलॉजी का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, जो कि दूसरे लोग ही या मार्केट ही दे सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, आज आपको ट्रैक्टर बनाना, ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर कोई किसान तो नहीं बनाएगा ना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही बनाएगा ना, और उसमें इंजीनियर होंगे जो ट्रैक्टर को बनाएंगे।
ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा नहीं है, सारे सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो अगर कोई कीटनाशक दवा बनती है तो उसको वैज्ञानिक बनाते हैं, कुछ और ऐसी चीजें होती हैं इंजीनियर्स बनाते हैं, कुछ चीजें सरकार प्रोवाइड करती है, कुछ मार्केट प्रोवाइड करता है। वैल्यू एडिशन की, स्पेशली वैल्यू एडिशन तो नहीं, मार्केटिंग की और सेल्स में जो चयन होती है वो तो मार्केट ही आपको प्रोवाइड करती है। आपका अनाज अगर यहाँ से लंदन जाके बिक रहा है या कोई चीज, तो वो तो मार्केट के थ्रू होगा ना, वो सरकार तो नहीं करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि उससे तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकती है, क्योंकि WTO में संधि है इनकी कि भाई आप ओपन मार्केट है तो आप दूसरों के प्रोडक्ट को डिमोट भी नहीं करेंगे और किसी एक खास प्रोडक्ट को प्रमोट भी नहीं करेंगे। तो ये सारे ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे मार्केट को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि मार्केट के जितने कंपोनेंट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, वो किसानों के साथ डायरेक्ट जुड़े। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, ITC ने ई चौपाल चलाई थी, आप उसका कभी पढ़िएगा, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। मतलब ई परचेजिंग उन्होंने शुरू की, जगह जगह वो चौपाल लगाते थे, रेट तय करते थे और पेमेंट जो है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाता था। तो अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो केवल FCI या फिर गवर्नमेंट के ऊपर सरकारों की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि हमें उन्हीं को बेचना है। और अगर ये सिस्टम आ जाए मैम, तो आप ये मान के चलिए कि किसान का फसल बीज बोने से पहले ही उसकी फसल बिक जाएगी, उसके पास एडवांस में पैसे आ जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो 50% एडवांस में आ जाएगा और अच्छे दाम उसको आएंगे। उसमें कोई उसकी इनकम, जो किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसानों की इनकम, देखिए फर्जीवाड़ा देखिए इस आंदोलन का, ये आंदोलन शुरू हुआ किसानों घुमा फिरा के, सारा आंदोलन और बिल जो है वो इस पे है कि प्रॉब्लम तो केवल इनकम की है, किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए प्रोविजंस चाहे 50 करिए। अब फर्जीवाड़ा देखिए कैसे इन लोगों ने रंग बदला, पहले ये हुआ जी MSP बनाओ, फिर MSP बनाने के बाद जी ये भी गलत है वो भी गलत है, करते करते क्या आ गया कि ये बिल देशद्रोही बिल है, इस बिल को ही रद्द कर दो। अरे क्यों रद्द कर दें भाई, क्यों रद्द कर दें? 50-60 हजार आढ़तियों, 5-6 लाख पूरे देश में, एक बार मैंने पढ़ा था बहुत कम आढ़ती है, उतने आढ़तियों के लिए आप 50-60 करोड़ किसानों की हम बलि दे देंगे, उनके पेट पे लात मार देंगे? ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ये बिल वगैरह रद्द नहीं होगा, कैसे भी करके वो लागू होगा, उसकी फैसिलिटीज होगी, मार्केट को ओपन किया जाएगा, मार्केट को, इंडस्ट्री को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, एग्रीकल्चर से, किसानों से क्लब किया जाएगा। और शायद वो दिन आ जाए जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद के लिए किसान के दरवाजे दरवाजे जाकर के फसल को उठाएंगी। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अमूल का जो दूध है या और भी जो डेयरी है, सहकारी डेयरी है, इन्होंने क्या किया, भारत में दुग्ध क्रांति कैसे आई, वो ऐसे ही आई। उनका देखिए रूट बंधा होता है, सुबह 4 बजे उनकी गाड़ी निकलती है, हर गांव में खड़ी होती है, लोग वहां आकर के दूध नापते हैं और लैक्टोमीटर से पता चलता है कि दूध की प्योरिटी कितनी है और रेट तय होता है। और जब रेट तय होता है तो किसानों को इमिडिएटली वो पैसे भी दे देते हैं या मंथली पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ऐसी फैसिलिटी है कि किसान को कहीं जाना भी नहीं है, वो साथ में एग्रीकल्चर के साथ, किसानी के साथ साथ दुग्ध पालन भी कर रहा है, मत्स्य पालन भी कर रहा है, 4 और काम कर रहा है, तो किसानों के, तो फिर तो किसानों के आंसू बहेंगे ही नहीं, फिर किसान आत्महत्या क्यों करेगा? ये आंदोलन करके ये लोग किसानों के लिए नया फांसी का फंदा, यानी इसको, ये बिल को रोकने का मतलब है कि किसानों के लिए फांसी का फंदा ये तैयार कर रहे थे कि किसान आत्महत्या करते रहे करते रहे। मिश्रा जी, जैसे आपने अभी कहा दुग्ध क्रांति जब आई थी, हमने इसी किसान आंदोलन में बहुत से किसान नेताओं से ये भी सुना कि हमने वो नहीं मांगा था, और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमने ये नहीं मांगा। इसके पैरेलली जब जब संसद पे इन पे चर्चा हुई थी, हरसिमरत कौर तो उस टाइम में सरकार का हिस्सा थी, उन्होंने तब तो विरोध नहीं किया, लेकिन 2 महीने बाद अचानक उन्हें ये किसान विरोधी लग गया। राकेश टिकैत वाज द फर्स्ट वन, जब जब किसान बिल आया तो उन्होंने इसका अनुमोदन किया और उन्होंने कहा ये किसानों के हित में है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अचानक उनको कैसे एहसास हुआ कि ये तो किसान विरोधी बिल है? तो ये देखिए राजनीतिक रंग हरसिमरत, क्या है? हाँ हरसिमरत कौर का मैं आपको बता दूं, होता क्या है, जब व्यक्तिगत, जब तक वो गवर्नमेंट में शामिल थी, एक ब्रॉडर लेवल पे जो इनका इंटरेस्ट था वो था, लेकिन उनकी जमीन कहाँ से जुड़ी है, कौन से जमीन के कारण, कहाँ से वो, कहाँ पे उनका पॉलिटिकल रसूख या प्रभाव है जिसके कारण वो सरकार में जुड़ी थी, वो पंजाब है, उनका एरिया है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। तो जब माइक्रो लेवल पे, इनर सर्किल पे उनको खतरा महसूस हुआ, अपने जड़ पे जब उनको उनको लगने लगा कि अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे और पंजाब के किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा तो पूरा पॉलिटिकल अस्तित्व ही खड़ा हो जाए, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पंजाब के बाहर तो कोई है नहीं,
तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये चीज किया। और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, यहाँ पे ऐसे जो है क्षुद्र नेतागण जो होते हैं जिनका अपना स्वार्थ बहुत बड़ा होता है रेदर देन लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, फायदा लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए फिर अपना स्वार्थ आना चाहिए, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, वो मुझे पता था उसके पीछे मेन रीजन ये था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जो शुरू में बोली थी, एक बार वो क्वेश्चन और रिपीट कीजिए जो है हरसिमरत कौर के पहले आपने क्या चीज बोली थी। मैंने बोला था कि जो राकेश टिकैत थे उन्होंने भी तो यही कहा था ना, 2 महीने पहले जब कि किसान हमने बिल मांगा आया। नहीं है, हाँ हमने ये जी मांगा नहीं है बिल। जी मांगा नहीं। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और एक बार जब हम लोग नेशनल टीवी पे बैठते थे तो एज ए मतलब स्ट्रेटेजिक टूल की तरह किसान नेता या आंदोलन को जो फेवर कर रहे थे वो डिबेटर बोलने लगे थे, भाई तुमसे मांगा किसने है ये बिल जो तुम दे जी रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी मर्यादा होती है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तुमने हॉस्पिटल मांगा था जो गवर्नमेंट ने तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल बनवा दिया, तुमने प्राइमरी स्कूल मांगा था जो गवर्नमेंट ने तुम्हारे यहाँ बनवा दिया, तुमने नहर मांगी थी, तुमने 6 लेन की जो है सड़क मांगी थी, या हमारे बाप दादा पुरखों ने बिजली मांगी थी, एरोप्लेन मांगा था, तो ये कौन सा आपका तर्क हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार में एक स्पेशलिस्ट टीम होती है जो भविष्य को देखते हुए योजनाएं बनाती है। आपको सारी चीजें नहीं पता होती हैं, आप एक घर में बैठे हैं, एक गांव के मुखिया हैं, तो आप जो है ब्रह्मा या पूरे ऐसे दृष्टा नहीं बने हैं कि आपको क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, आपने तो बहुत सारी चीजें नहीं थी। और एक चीज और है भाई, चलो जाओ अंग्रेजों के जो है जूते चाटो, अगर तुम ये बोल रहे हो कि हमने मांगा नहीं था तो क्यों दे रहे हो, तो यही तो गलती कर दी, हमने आजादी नहीं मांगी तो अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी, तो आपको तो एहसान एहसास एहसानमंद होना चाहिए सरकार का कि बिना मांगे सरकार दे रही है सरकारों को। हाँ अदरवाइज यहाँ पे तो सरकारें ऐसी रही हैं कि मांगने पे भी नहीं देती हैं। इसके पहले भी किसान आंदोलन हुए थे, किसानों ने मांग रखी है तो गोलियां चली हैं, आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए एमपी वगैरह में किसानों ने मांग की आंदोलन हुआ, उन्होंने छोटे मोटे ही आंदोलन किए और उस पर गोलियां चली हैं। और यहाँ तुम ठाट से एसी में वो रह रहे हो जो है, और तुम उसके बाद बोल रहे हो कि हमने मांगा नहीं था, तो ये कुतर्क है। जिस दिन किसान नेताओं ने ऐसे तर्क देने शुरू किए कि हमने मांगा नहीं था तो क्यों दे रहे हो ये जबरदस्ती, हाँ तुम्हारे खाते में डायरेक्ट पैसे जाते हैं, तुमको सब्सिडी मिलती है खाद की बिजली में, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता है, मैं आपको बता दूंगा। आपने एक केस पढ़ा होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपने आप को किसान डिक्लेयर किया था, फिर बाद में उन्होंने जमीन जो है लौटा दी थी, तो तुमने ये मांगा था क्या कि एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर को टैक्स मुक्त कर दो, नहीं करो। गवर्नमेंट ने अगर कोई अच्छा कदम लिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए कि कुतर्क करना चाहिए वहां पे। और ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए ना, तो तुम तो कितने 2,000 लोग बैठे हो ना यहाँ पे, 60 करोड़ जो 70 करोड़ किसान है वो तो मांग रहे हैं ना इस चीज को, जनता तो मांग रही है ना, और किसान मांगे या ना मांगे जो उपभोक्ता है हमारे देश के जो रहने वाले हैं 120 करोड़ लोग, वो तो मांग रहे हैं ना कि भाई हमें टमाटर 100 रुपए किलो नहीं 50 रुपए किलो आप दीजिए, और किसान भी मांग रहा है कि 2 रुपए किलो हमारा टमाटर नहीं कम से कम 25 रुपए किलो तो बिके, 20 रुपए उसकी लागत हुई है और 5 रुपए हमें प्रॉफिट तो मिले मिले पर किलो, तुम नहीं मांग रहे हो मत मांगो। लेकिन उपभोक्ताओं और किसानों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यही मांग है कि इसी गैप को खत्म किया जाए जो मैंने आपको शुरू में बोला, और इसीलिए ये बिल लाया गया, तो तुम्हारे मांगने और ना मांगने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी, जी बहुत मैम से लोगों ने इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन किया कि जब किसान बिल आया सरकार ने ओपनली चर्चा नहीं करवाई, इस वजह से वो उनको सरकार की मंशा पे वो सवाल खड़े करते हैं कि अगर ये किसान के हित में है तो उन्होंने मास लेवल पे इसका मैसेज पहले कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, उसके बाद वो कानून बना देते। ऐसी अचानक क्या आपदा आ गई थी कि कोरोना लॉकडाउन में वो बिल भी ले आए, संसद में चर्चा भी होगी लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची, एंड देन उसको कानून का रूप भी दे दिया गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आफत आ गई थी, और अभी नहीं बहुत पहले से ये आफत है, मैं आपको बताऊं। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, संवैधानिक परंपराएं हैं, नियम और कानून है, मैं उसको मानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूं, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी के जो ये सिस्टम है ना इसके ड्रॉबैक भी है, आप मानिए, जिसके कारण डिले बहुत होता है हर एक चीज को। मैं बोलता हूँ कोई चीज अगर अच्छी है, किसी एक्सपर्ट एक्सपर्ट की टीम ने वो चीज डिसाइड किया हुआ है और बहुत सारी रिसर्च करके, देखिए 70 साल का एग्रीकल्चर का इतिहास या डाटा तो पड़ा ही है इंडिया के पास, बहुत सारे जी इंटरनेशनल जो है इंफॉर्मेशन इन लोगों ने कलेक्ट की थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, इन सबको खंगाल करके ये बिल बनाया गया था। अब जी हमसे नहीं पूछा, एके मिश्रा बोलने लगे कि जी मैं भारत का नागरिक हूँ, सरकार ने हमसे नहीं पूछा। अब सरकार पहले हमारे यहाँ आए तो 120 करोड़ के यहाँ जाने में, फिर वो आपके यहाँ भी जाए, जितने बाहर विदेशी भारतीय बसे हैं सबके यहाँ जाए, तो
कब बिल लागू होगा आप मुझे ये बताइए। देखिए 120 करोड़ की जनता को, देश को बहुत तेजी से आगे लेके जाना है। अगर कोई चीज सही हो रही है तो उसमें ये बेवकूफी वाले जो है तर्क नहीं देने चाहिए कि सरकार ने हमसे नहीं पूछा। अरे आपसे नहीं पूछा, आप क्यों नहीं संसद में बैठे थे? अगर टिकैत ये बोलते हैं हमसे नहीं पूछा, तो आप आधिकारिक रूप से तो कोई है नहीं ना, आप आधिकारिक रूप से कुछ है? कुछ नहीं है। आपने अपना झंडा खुद बुलंद किया है, या जो उधर पंजाब के किसान बैठे हुए थे। और रही बात अगर कोई विपक्षी पार्टी ये बोलती है, तो आप हो ही कितने संसद में साहब, आपसे पूछने के लिए आप जनता के पास जाइए। जनता ने आपको संसद से बाहर करके रखा है, और वो इसलिए आपको बाहर करके रखा हुआ है क्योंकि आप ऐसे ही फटी में टांग अड़ाते रहे हैं हमेशा से। देश के विकास में 50 बिल ऐसे थे जो आज भी अटके के अटके रह गए। विकास के काम स्वामीनाथन रिपोर्ट कब की आई है आप मुझे ये बताइए? पूछ पूछ करके ही तो कर रहे थे, तभी तो वो नहीं लागू हुआ था आज तक। तो क्यों पूछा जाए आपसे? मिश्रा जी, अनिल शुक्ला जी कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आपसे एक सवाल अच्छा पूछा है। ये वही सवाल है एक्चुअली, मैं भी पूछना चाह रही थी। बोलते हैं मिश्रा जी, स्वयंभू किसान नेताओं को नेता कहना कहाँ तक सही है? नहीं देखिए, अब स्वयंभू किसान नेताओं को नेता इसलिए कह देना चाहिए, एक मेरी विनती है आप लोगों से। ठीक है उनके विचार हमसे अलग है, लेकिन है तो वो भी अपने ही देशवासी है ना, और भारत की विविधता रही है। यहाँ पे विरोधी विचारों को तर्क के द्वारा जो है समझा जाता है और एक सलूशन निकाला जाता है। उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि ठीक है भाई हमें भी लोग नेता बोले, तो मैं बोलता हूँ ठीक है हम आपको नेता कहने के लिए तैयार है, लेकिन देश की प्रगति में आप बाधक नहीं बनिए। जिस दिन आप देश की प्रगति में बाधक बनेंगे, और मैं लॉजिकल पॉइंट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस का, इसीलिए मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। सारी सरकारों ने काफी काम किए हैं पास्ट में, ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया है। पिछले सरकारों ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे अमूल वगैरह की जो क्रांति हुई, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन येलो, ये सरसों के तेल, तेल के उत्पादन में जो है हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, अब सरकार उसको और रैपिड वे में करना चाह रही है। तो आप देश के विकास में अगर आप बाधक बनेंगे, तो ना आप नेता रहेंगे, ना आप स्वयंभू किसान रहेंगे, आप कुछ नहीं रहेंगे। आपके मतलब इतनी ज्यादा आपकी छीछा लेदर होगी कि आप टिकैत जी बन के सब जगह रो करके बंगाल उंगाल घूम के लौट के बुद्धू घर के आएंगे। ये कोई स्वयंभू नेता नहीं है। देखिए स्वयंभू नेता या नेता भी, मैं बोलता हूँ आप स्वयंभू नेता ही बनिए, लेकिन नेता भी मैं उसको मानता हूँ जो लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जिसके मुद्दे हों जो बात करे, अपनी जो है टोपी को और ऊंचा करने के लिए, अपने कद को ऊंचा करने के लिए अगर आप नेता बन, ठीक है आपका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, हर आदमी पढ़ना चाहता है, लेकिन आपके व्यक्तिगत स्वार्थ हमेशा सेकेंडरी होने चाहिए, और राष्ट्र का जो उत्थान है, जो कल्याण है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी ये विचार है, तो भले ही आप पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है, आप चुनाव में आप किसी दल से जुड़े नहीं है, लेकिन सबसे बड़े नेता आप हैं। भले ही आप एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी संकल्पना भारत के सिद्धांतों के अनुसार है, भारतवर्ष के सिद्धांतों के अनुसार है, तो सबसे बड़ा नेता आप हैं, वो नहीं है कि जो कि कुर्सी पे बैठा है। तो शुक्ला जी को मेरी तरफ से ये बोलिएगा कि आप ये मत सोचिए सबसे बड़े नेता आप लोग हैं, और अगर आप लोग कनाडा और अमेरिका वगैरह में हैं, तो आप नेता ही नहीं, नेताओं से भी बहुत बड़े हैं। मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का ब्रांड एम्बेसडर बोलता हूँ, और ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बोलता हूँ कि बाहर विदेशों में जो भारतीय संस्कृति का और ये जो धर्म ध्वजा या भारतीय संस्कृति की जो ध्वजा फहरा रही है ना, जो हमारा नाम हो रहा है, वो एके मिश्रा और यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर मनु चौधरी कर रही हैं, ये शुक्ला जी कर रहे हैं जो कनाडा में बैठे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने संतुलित तरीके में निष्ठा का पालन करते हुए वहां पे आप लोगों ने अपनी दिनचर्या ऐसी बनाई है कि आज भी कोई भारतीय अगर कहीं जाता है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मॉडर्न जितने एनआरआई हैं जो बाहर रह रहे हैं, किसी रीजन से गए तो वो पेट के कारण ही है, लेकिन अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को नहीं भूले हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को मैं मॉडर्न ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोलता हूँ। ये फिल्मी सितारे, क्रिकेट के सितारे, दे आर नॉट द ब्रांड एम्बेसडर। फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह, दे आर नॉट द ब्रांड एम्बेसडर। मैं आपको बताऊं, यू पीपल आर, यू पी यू ऑल एनआरआई पीपल, दोज लिविंग फॉर ब्रेड एंड बटर और फॉर ड्यू टू एनी रीजन अब्रॉड इंडिया में जो लोग रहते हैं, दे आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। शुक्रिया मिश्रा जी। मिश्रा जी, एक सवाल मुझसे शरद गायकवाड़ जी ने पूछा है। शरद जी, मैंने आपके सारे सवाल देखे थे, और एक्चुअली मैं पहले अपने सवालों के जवाब उनसे ले रही थी, उसके बाद मुझे था कि मैं आप लोगों के सवालात उनसे पूछूंगी। आपने सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझ पे ही डाला है कि व्हेन एंकर इज सपोर्टिंग द बिल, आई डोंट एक्सेप्ट फार्मर टू गेट द जस्टिस। तो शरद जी, मेरा आपको ये जवाब है कि
एक एंकर को दोनों पहलू देखने होते हैं। अब एकदम से अगर बहुत बड़ी कोई चीज हो जाए और हम उसका दूसरा पक्ष ना देखें तो वो ये हमारे प्रोफेशन के साथ गलत है। लेकिन हमारे देश में एक एक सिस्टम चल गया है अब कि अगर सरकार के फेवर में अगर कोई एंकर या बोल देता है, न्यूज चैनल बोल देता है, तो उसको तो गोदी मीडिया कह दिया जाता है। लेकिन जब वो मुद्दों की बात करता है तो आप उस चीज को नहीं समझते हैं कि वो मुद्दों की बात भी उठा रहा है, वो सरकार की भी उठा रहा है। और सरकार के अच्छे काम की तारीफ करनी भी चाहिए, एज एंकर मैं ये मानती हूँ, जर्नलिस्ट का ये फर्ज भी बनता है। और अगर सरकार गलत करती है तो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम भी मीडिया को ही करना होता है। और मैं भली भांति अपना काम करती हूँ, मैं हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखती हूँ, मेरा झुकाव कभी भी नहीं होता है, ना मैं गलत सुनती हूँ ना मैं गलत कहती हूँ, और सही है उसको यस करने से मैं 1 सेकंड भी गुरेज नहीं करती हूँ। तो मेरे सवाल का तो आपको ये जवाब है शरद जी। अब आपने पूछा था शुक्ला जी से, जो सवाल पूछा था, मैं आपके सवाल ले लेती हूँ, इनके ऊपर थोड़े से सवाल हैं शुक्ला जी, मैं अभी 1 सेकंड में आपको डिस्प्ले करती हूँ। इनका सबसे पहला सवाल था, एमएसपी पे था ये, मेक इट क्रिमिनल इफ परचेज लेस देन एमएसपी, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे कानून आना ही आना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए एक तरह का। दूसरा इनका सवाल है, परचेज फॉर द कॉस्ट लेस देन एमएसपी, उसके ही साथ इन्होंने ऐड किया था, आई वाज ऑफर ₹3 पर kg फॉर वाटरमेलन। तो ये किसान होंगे और इनको इस तरह का ऑफर मिला होगा। फिर इसके साथ ही इन्होंने कोरिलेट किया था, जी ये इनका सवाल है, कॉल ऑन फार्म ए फार्मर हु इज एक्चुअली कल्टीवेटिंग द फार्म, डोंट लिसन टू एजेंट्स। ठीक है, और आप इनके पॉइंट देख ही रहे हैं। एक और इनका आया है, इन महाराष्ट्र ऑलरेडी कंपनीज आर अलाउड टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम फार्म्स, इट इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। देखिए गायकवाड़ जी, आप ठीक है, आप जरा याद करिए, गुजरात के जो महाराजा थे गायकवाड़ खानदान, बहुत प्रेस्टीजियस आप लोग रहे हैं, और महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ तो नहीं है, मार्केटिंग की जॉब के टाइम पे एक एक गांव लगभग मैंने घूमा हुआ है महाराष्ट्र, पढ़ाई भी मैंने की थी। जो महाराष्ट्र के, मैं सीमांत फार्मर की बात कर रहा हूँ, मतलब हाशिए पे खड़े हुए फार्मर है, और मैं वहां गया था, और मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे भी जो इस तरीके से जो फार्मर हैं, जो हाशिए पे पड़े हैं, उनका दुख या उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने बताया ना, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके वो कोई जानकारी ले ले। लगभग जो गांव होता है, जो सबसे लास्ट में गांव होता है, उससे 50-60 किलोमीटर दूर ही शहर होता है। और ये मैं महाराष्ट्र की आपको बात बता रहा हूँ, और उनसे मैंने बात भी की थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, कैसे थी। देखिए क्या है, जो आपने बोला कि क्रिमिनलाइज करना, मैं मानता हूं, चलिए अगर आप बोलते हो कि क्रिमिनलाइज कर देने से सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया में क्रिमिनलाइज्ड हैं? हाँ, क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, जैसे किसी का मर्डर करना क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, तो क्या मर्डर रुक गए? और बहुत सारी चीजें हैं, पॉकेट मारना, लूटपाट करना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है। देखिए ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि एमएसपी वगैरह कोई इसको क्राइम से कोरिलेट बिल्कुल ना करे। अगर आप जैसे ही किसी भी पक्ष को, चाहे आप एमएसपी दीजिए मत दीजिए, कितना दीजिए, लीगल करिए मत करिए, वो डिफरेंट चीज है, किसान लोग और सरकार लोग समझ ले। लेकिन अगर क्रिमिनल पॉइंट आप लेके आते हैं ना, तो एक भय पैदा हो जाता है। मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर का पूरा उपयोग करने के लिए 4-5 उसके सब सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्री, मार्केट। मार्केट भी तो एक रोल प्ले करती है ना किसान को वाजिब दाम दिलवाने में, तो ये सब उसके सब कंट्रोल या हेल्पिंग कंपोनेंट हो गए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के। मैं ये मानता हूं कि बिजनेस वगैरह जो सिविल एक्ट है, इकोनॉमिक एक्ट है, उसमें जहां तक हो सके वहां पे क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनल एक्ट को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि अगर बिना किसी एक्ट को ऐसा यूज किए हुए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने, ये बात किसी पार्टी की नहीं है, आपके प्रधानमंत्री होंगे या कोई और होगा तो मैं उनको भी प्रधानमंत्री जी ही बोलूंगा, या पीछे की भी सरकारों में गायकवाड़ जी ने एक चीज बोला था कि एंकर या जो डिबेट कर रहे हैं अगर वही लोग सपोर्ट करने लगे, मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। और गायकवाड़ जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो अमूल का जो है शुरुआत गुजरात से ही हुआ, और करंट गवर्नमेंट में नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको अप्रिशिएट किया। जिसने इस देश की दशा और दिशा को सुधारने के लिए काम किया है, उसको नमन है, उसका एप्रिशिएशन है। क्रिमिनल एक्ट आपको तब एड ऑन करना चाहिए जबकि वाकई में समस्या बहुत बेकाबू हो गई हो। अभी प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने ये किया कि जो भी होगा एमएसपी सीधे किसानों के अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे खरीद में कोई ऐसी हेरा फेरी तो हो ही नहीं रही है दाम मिलने में, तो जबरदस्ती क्यों क्रिमिनल एक्ट डाल रहे हैं। और रही बात
क्रिमिनल एक्ट, इतने सारे इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी में भी देखा जाए तो इतने सारे एक्ट पड़े हुए हैं कि अगर किसी ने आपको एमएसपी से कम दिया, अगर एमएसपी देना लाजिमी है और अनिवार्य है या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है, तो आप उसका जाकर के नॉर्मल भी एफआईआर लिखा सकते हो, पुलिस को फोन कर सकते हो, कानूनी सलाह ले सकते हो कि भाई अगर सरकार इतना दे रही है तो ये इसमें हमने कम क्यों दिया। दूसरी चीज, शोषण जो करता है वो तो है ही, गिल्टी है ही, वो दोषी है जो शोषण करवाता है। जैसे आपको किसी ने एमएसपी से कम दिया और उसके बाद भी आप शांत रह गए, हालांकि मैं इस चीज को मानता हूं कि दुर्दशा या दुख की बात ऐसी है कि लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैं उनको दोष नहीं देता हूं, लेकिन एटलीस्ट आप आवाज तो उठाइए, आप जो लीगल ऑप्शंस हैं आपके पास छोटे स्तर पे ही, आप उसको तो लीजिए। तो अननेसेसरी वे में हर चीज को क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होके प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करने के लिए एक्टिविटी ना हो करके लोग एक क्रिमिनल जो है कानूनों में या क्रिमिनल मुकदमों में ही लोग उलझते चले जाएंगे। तो जो चीज सामाजिक है, जो चीज आर्थिक है, उसको उसी तरीके से निपटना चाहिए, न कि हर जगह क्रिमिनल एक्ट लाना चाहिए। मैं मानता हूं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी स्टेज आई है। डायरेक्ट आप बेनिफिट दीजिए, ट्रांसफर वहां पे कीजिए, ऑनलाइन डिस्प्ले हो, एमएसपी क्या है, जो खरीदने जाए अगर एमएसपी से कम दे रहा है, हाँ डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप इमीडिएटली गवर्नमेंट को, ऑनलाइन फैसिलिटी सब जगह है, ठीक है, सब लोगों को हो सकता है जस्टिस ना मिले, उसके पीछे कारण है। मैंने बोला है कि गवर्नमेंट के पास अभी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, 120 करोड़ की पॉपुलेशन को सर्व करना केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है मैम। सोसाइटी अगर अच्छी बनेगी, देखिए अगर कोई क्राइम करता है, एमएसपी से कम देता है, पहले हम अपनी भी तो जिम्मेदारी समझे, अगर हम खरीदने गए हैं तो हमारे अंदर भी नैतिकता होनी चाहिए। समाज का अपना रोल है, हमारा आपका अपना रोल है, अगर हम और आप सुधर जाएंगे तो ना ये क्रिमिनल एक्ट की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कहीं किसी चीज की जरूरत, अदरवाइज आप संविधान पे संविधान लिखते जाइए ना, सीआरपीसी, आईपीसी, ताजिरियत हिंद की तरह के तहत फांसी देते, दफा 302 के तहत आप फांसी देते जाइए। मिश्रा जी, जैसे आपने कहा कि भाई उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर एमएसपी से लेस देन जब जाता है मार्केट में तो वो इसकी अपील कर सकते हैं या जो कानूनी सलाह है वो होती है, लेकिन किसानों का ये कहना है, हालांकि इस बिल में भी यह कहा गया है कि कहीं भी किसान को दिक्कत हो अपने एसडीएम या डीएम जो भी है वहां पे अधिकारी उनके थ्रू वो 24 घंटे में या 48 घंटे में उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि ये तो सरकार की कठपुतलियां हैं, सरकारी अधिकारी हमारी क्यों सुनेंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अगर आप ये बोलते हैं कि भाई अगर ये सरकार की कठपुतली है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो कभी ना कभी किसी न किसी सरकार के अधीन रहेंगे। आप इसको खुल के ऐसे बोलिए ना कि इस सरकार की कठपुतली हमें पसंद नहीं है, हमारे जब आका आएंगे तो उनकी कठपुतली हमें पसंद है, जो कि पंजाब में हो रहा है। जी पंजाब में एमएसपी का विरोध करने का या इस बिल का विरोध करने का क्या रीजन है भाई, स्टेट तो फ्री है, आप लागू करो या मत करो। पंजाब की सरकार एमएसपी दे दे 1900 की जगह में 19,000 पर क्विंटल दे दे, हमें क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए ना, किसी ने रोका है, नहीं रोका है। तो देखिए है क्या, प्रोविजन एक होता है, मतलब हर चीज के लिए एक प्रोविजन होता है और उस प्रोविजन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और रही बात जो चीज केवल संभावना के ऊपर, अब होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि भाई जब ये एमएसपी लागू हो तो उसके बाद अकाल पड़ जाए, कभी पानी ही ना बरसे, तो ये हो जाए तो वो हो जाए, तो उन सब चीजों से देखिए एक मन में भविष्य के लिए डर दिखा करके या डर को सोच करके किसी चीज को रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए ये है कि आप इस बिल को आने दीजिए, इंप्लीमेंट होने दीजिए। और एक चीज और मैं बताता हूं, अगर कोई चीज कल्याणकारी नहीं हुई सोसाइटी के लिए तो अपने आप खत्म हो जाती है। बहुत सारे बिल पहले भी आए जो कि ऑन पेपर तो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में कहीं नहीं है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही, वो उतने उपयोगी नहीं रहे समाज के लिए, तो समाज उसको यूज ही नहीं करता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती है, ऑटोमेटिकली नई आ जाती है, तो इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है, इतना भय या इतना शंका करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी ऐसे प्रोविजन होते हैं, अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उस भ्रष्टाचार करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। इतना ज्यादा निगेटिव होकर के सोच जो लोग सोच रहे हैं ना, तभी मुझे डाउट होता है कि ये हर बात पे क्यों, मतलब इनसे ये पूछिए इस बिल की कोई एक खूबी बता दो आप मुझे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई एक खूबी बता दीजिए,
मैं आपको 2500 खूबियां भी बताऊंगा, अगर 2500 खूबियां बताऊंगा तो एक दो ड्रॉबैक भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और जिसके लिए मैंने बोला उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो किसानों का ये भय है कि भाई एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। उस सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि आप कानून बना दीजिए इनिशियल 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के लिए। उसके पीछे कारण है, जब बिल कोई इंट्रोड्यूस होगा ना तो किसानों को अपने पैरों पे यानी कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने बनाने में 5 साल 10 साल का टाइम लग जाएगा, और जी वो वक्त भी आ सकता है कि एमएसपी की फिर कोई वैल्यू ही ना रहे। अगर आपको एमएसपी से भी ज्यादा पे व्यापारी लोग या मार्केट खरीद रहे हैं तो आप एमएसपी की क्यों, कोई किसान एमएसपी के ऊपर क्यों सोचेगा? तो फिर उसके बाद आप उसको हटा दीजिए। जब सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो फिर कानून की वहां पे जरूरत नहीं है। हर चीज कानून और डंडे के दम पे थोड़ी चलनी चाहिए हमारे देश में। ये बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बातें हैं कि हर चीज कानून और डंडे के दम पे चले। समाज की अपनी भी जिम्मेदारी होती है। मैं बोलता हूं कि अगर अगल बगल के मार्केट के लोग, यही आढ़तिया लोग अच्छे दाम देने लगे तो ना आंदोलन करने की जरूरत पड़ती, ना बिल लाने की जरूरत पड़ती। आप इतनी चीजें जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, पूछिए, आपका स्वागत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जरा इन आढ़तियों से भी तो पूछिए कि भाई ये समस्या क्यों पैदा हो रही है, आप लोग ही क्यों नहीं बोलते? आपका पड़ोसी है वो किसान, आपका पड़ोसी है वो फटे हाल जी रहा है और आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं। आप ही उसको 2 रुपए पर किलो के हिसाब से ज्यादा क्यों नहीं देते हो? उनसे भी तो सवाल आप पूछिए ना, आपने उनसे बिल्कुल कोई ठीक सवाल कहा नहीं मिश्रा पूछ रहा है। जी, उनसे उनसे भी नहीं पूछ रहे हैं। इवन किसी ने टिकैत साहब से भी नहीं पूछा कि आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस किसान बिल का अनुमोदन किया और अचानक ही आपको ये किसानों के विरोध में नजर आ गया। अब एंकर ये चीज पूछते हैं तो उन्हें सरकार का नुमाइंदा कह दिया जाता है। चलो वो तो सबके अपने अपने आस्पेक्ट्स हैं, कहते रहेंगे। इस किसान आंदोलन में हमने किसान नेताओं के साथ साथ योगेंद्र यादव को भी देखा। योगेंद्र यादव एक ऐसे शख्स हैं जो हर तरह के आंदोलन में पाए जाते हैं। अब उसके लिए अब संसद में किसने क्या कहा और लोगों ने उस पर क्या पॉइंट आउट किया, लेकिन अब अचानक क्या उनकी उनका किसानों से मोह भंग हो गया? अब तो वो आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहे। मेरा ये जानना चाह रही थी मैं। नहीं, देखिए, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं इस धरा पे, भारत भूमि पे, जिनकी उपयोगिता यत्र तत्र सर्वत्र होती है। कोई भी आंदोलन होगा, कुछ भी होगा, वो हर जगह पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हाँ, अब मुझे पता नहीं उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हाँ, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई बहुत जेन्यून चीज होती नहीं है, तो ये बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। आप मेरे से बात करिए, किसान आंदोलन शुरू होने से लेके आज तक जो मेरा स्टैंड था, जो मेरे लॉजिक थे, जो मेरे तर्क थे, वो आज भी है, और आगे जी आने वाले 10 सालों तक भी मेरे तर्क यही रहेंगे। मैं तब भी अवेलेबल था डिफरेंट चैनल पे, लीडिंग चैनल पे, मैं आज भी अवेलेबल हूँ और कल भी मैं अवेलेबल रहूंगा। कोरोना पे, किसान आंदोलन पे, सारे मुद्दों पे मेरे विचार कभी भी नहीं बदलते हैं। मैं बहुत सोच समझ के जी बोलता हूँ, जो आज मैं बोलूंगा वही मैं 10 साल बाद भी बोलूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। क्योंकि मैं एक साइंटिफिक एनालिसिस करके, हम लोगों ने वो सारी चीजें पढ़ी है ड्यूरिंग एमबीए, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है कि एग्रीकल्चर कैसे जो है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, क्या होते हैं एग्री इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब सब्जेक्ट होते थे। तो ये है। अब रही बात जिनकी आपने नाम ली है, वो उनकी लाइफ स्टाइल या उनका लाइफ साइकिल ही ऐसा है, 2 4 दिन के लिए जो है वो आते हैं, और फिर उतना वो सोच के तो बहुत कुछ आते हैं कि भाई हम यहाँ आ करके पूरा हिला देंगे, ये कर देंगे, 2 दिन में ऐसा कर देंगे, थोड़ी बहुत बाइट उनकी चल जाती है, बड़ा मधुर बोलते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब जनता के हाथ में इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और जनता के हाथ में भी पता है एमएसपी क्या है, ग्लोबल रणनीतियां क्या बन रही हैं, कैसे क्या है, तो पब्लिक भी उनको भाव नहीं देती है। तो मैंने बोला ना, उनकी लाइफ साइकिल जो होती है बड़ी शॉर्ट होती है, 2 दिन 4 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद वो सिस्टम के द्वारा ही, देखिए, अगर आप सिस्टम के लिए उपयोगी नहीं है तो सिस्टम आपको उठा के बाहर फेंक देगा। यही चीज उनके साथ होता है। हमने थोड़ी फेंका उनको बाहर, हमने थोड़ी बोला कि आप शांत रहिए, या किसी ने उनके ऊपर दबाव थोड़ी डाला कि भाई आप मत बोलिए, उनको सिस्टम ने ही दबाव उनके ऊपर डाल के, वो चूंकि अनुपयोगी हो गए थे सिस्टम के लिए, सिस्टम ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, अब आगे अब नया मौका तलाश रहे हैं कि नई उर्वर जमीन, कोई नया आंदोलन वगैरह शुरू हो तो वहां पे फिर वो प्रकट होंगे एकाएक। मिश्रा जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो किसान आंदोलन है ये सरकार और राज्य सरकारों के बीच पीस के कहीं रह गया है? देखिए, बात सरकार और राज्य सरकारों के बीच पिसने की नहीं है, जानबूझ करके जो है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, मैं बोलता हूँ आप राजनीति करिए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, जो हो, हमेशा आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि अगर आप राज्य राज्य में शासन कर रहे हैं तो आपके राज्य की बेहतरी कैसे हो, पब्लिक की। और मैं ये बोलता हूँ कि बेहतरी कहीं से भी मिले,
बेहतरी आपको चाहे भले ही आपके वो अपोनेंट क्यों नहीं है, सेंट्रल में अगर अपोनेंट बैठी हुई है एज ए गवर्नमेंट, अगर वो आपको फंड दे रही है सड़क बनाने के लिए दे रही है, तो आप उसको इंप्लीमेंट करिए ना, आपके राज्य का भला हो रहा है। इतने स्वार्थी आपको नहीं हो जाना चाहिए कि सेंटर ने पैसे दिए। अच्छा अभी एक डिबेट हो रही थी, उसी में मैंने ये बोला, अब बोल रहे थे सेंटर, मैंने बोला सेंटर आप आपको पैसे दे रही है तो आप उसको यूज क्यों नहीं करते हैं, आप अपना भी पैसा लगाइए और सेंटर का भी पैसा लगाइए ताकि वहां के लोगों का। तो ये इतने स्वार्थी हो जाते हैं, पता चला सेंटर ने पैसा दिया तो वो उसको खर्च ही नहीं करेंगे, वो पड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखिए हेल्थ कार्ड वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाए थे, तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने, ममता बनर्जी ने उसको लागू नहीं किया, पंजाब में भी और राजस्थान वगैरह में भी जहां अपोनेंट अपोजिशन की सरकारें हैं उन्होंने लागू नहीं किया। अब होता क्या है, देखिए मैंने बोला ना लोकतंत्र की जो थोड़ी सी एक नाकामियां है, जो खराबियां है वो यही है, राजनीति के चक्कर में जनता पिस रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई अगर मैं किसी प्रदेश का वासी हूं तो अच्छा दुनिया के दूसरे देशों से आपको फंड आएगा तो आप लेने के लिए तैयार हो। अभी केरला में बाढ़ आई थी और सऊदी अरब गल्फ से फंड आने शुरू हुए तो एकदम खुशी खुशी लोगों ने आंचल फैला दिया भिखारियों की तरह, कि अरे देखिए जो है यूएई हमें जकात दे रहा है, वो दे रहा है, मदद दे रहा है, इमदाद दे रहा है, वहां से लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और अपने देश की सरकार दे रही है तो वो आप तैयार नहीं होंगे। ये भी देखिए, ये भी दोगलापन देखिए, इमदाद लेने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन सरकार की मदद लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ये भी एक एक अलग ही तरह का नैरेटिव है मिश्रा जी, जो अपने देश में चल रहा है एक तरह से। अभी रिसेंटली एक नई खबर निकल के आई है, अभी एक दो दिन पहले ही, कि सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जहां पर किसान बैठे हैं, जहां वो भव्य टेंट और वो सब कुछ लगे हुए थे, वहां कुछ किसानों ने पक्के मकान भी खड़े कर लिए हैं, मतलब बनाने की शुरुआत कर ली है। तो इस पर हाँ आप क्या कहेंगे? ये देखिए क्या है, 2-3 महीने 4 महीने पहले ही इस पे डिबेट हुई थी जब इन्होंने शुरू किया था गर्मी आने के पहले, और मुझे तो हैरानी हो रही थी इनके आंदोलन की विचारधारा क्या है। और पोल खोलते हुए स्टेटमेंट, एक किसान से पूछा गया आप पक्के घर क्यों बना रहे, बोल रहे भाई गर्मी आ रही है, गर्मी लगेगी तो हम पक्के घर बनाएंगे, इसमें एसी रहेंगे ताकि आराम से रहने के लिए। वो आंदोलन कभी लग्जरियस होता है मैम? दुनिया का एक आंदोलन बता दीजिए जो एसी रूम से चला हो, जो लग्जरी के साथ चला हो। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, सक्सेसफुल आंदोलन हुए हैं, जब तक लग्जरी से आंदोलन में सियासत तो फेल चल जाती है मिश्रा जी, एसी रूम से सियासत तो चल जाती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप सही बोल रहे हैं, सियासत वो होता ही है, 5 साल तक तो वो एसी रूम में ही बैठते हैं। ये भी एक दुर्दशा है अपने देश की कि अगर थोड़ा सा जितना चुनाव के टाइम में धूप में ये लोग निकलते हैं, अगर उतना 5 साल में निकल देना तो उसके बाद किसी चीज की कोई कमी ही न रहे यहाँ पे। ये भी नहीं एक नहीं मिश्रा पॉइंट मैं जी, कभी आपसे, इसमें भी सच नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था, मेरा गांव मेरा देश, उसमें बिहार के एक गांव में मैं गई थी, मतलब हमारा सहयोगी वहां से हमें लाइव कर रहे थे। उन्होंने बताया 1400 वोट है उस गांव में, 1947 से लेके 2021 कितने इलेक्शन हो गए होंगे, उस गांव के लोगों ने आज तक अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं देखा है, और एमएलए 5 साल में 1.5 घंटे के लिए इलेक्शन के आसपास आ जाता है। तो ये एसी से निकल के पब्लिक तक भी नहीं जाते हैं। हाँ मैं वही बोला ना, इसीलिए मैंने बोला कि जितना चुनाव प्रचार में आप करते हैं, देखिए ये भी एक, अब अगर पूछे बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट, टूर कैसे करना चाहिए, एक अगर एमपी एमएलए या मंत्री है ऑफ कोर्स उसके पास ऑफिशियल काम भी होते हैं, अब मैनेजमेंट कैसे हो, हर घर में आप पहुंच नहीं सकते हो, तो आपको अपने एरिया का और गवर्नमेंट के हिस्से का जो है एक व्यवस्थित तरीके से टूर प्लान बनाना चाहिए, जहां आप पब्लिक से इंटरेक्ट करिए, ग्राउंड लेवल पे योजनाएं कितनी अवतरित हुई, कितना वो बाकी रह गया, ये सब चीज आप इंस्पेक्शन करिए, लेकिन वो करते नहीं है। ये देश के दोष, मैंने इसीलिए बोला जितना आप चुनाव में घूमते हैं दिन रात एक करके, उसका 10% भी अगर आप 5 साल तक जाते रहे अपने एरिया में, इंस्पेक्शन करते रहे, लोगों से मिलते रहे, तो आपकी गद्दी भी परमानेंट रहेगी, आपको कोई हरा नहीं पाएगा कभी, और विकास कार्य भी बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। और इतना ही नहीं, देखिए जब राजनेता और पब्लिक, मैं बोलता हूं इन दोनों में तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जब राजनेता और पब्लिक मिलेंगे ना तो बीच से माफिया गायब हो जाते हैं। ये माफियाबाजी क्राइम वगैरह जो आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि राजनेता और पब्लिक के बीच में जो संवाद होता है वो खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जनता गरीब दुखी कभी भी चाहे तो अफसरों से, नेताओं राजनेताओं से या राजा से कभी भी मिल सकता था, जब तक ये परंपरा कायम रही, यानी संवाद राजा और जनता के बीच डायरेक्ट होता रहा, कोई समस्या नहीं रही है देश में। जिस दिन ये संवाद टूट जाता है और बीच में
बिचौलिए लोग आ जाते हैं, संवाद संवाद प्रेषक जो संवाद को इधर से उधर लेकर के जाते हैं, वही गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बात वो हो रही थी एसी वाली जो वो बना रहे थे, तो उनका जवाब ये था और इसी पे डिबेट हुई थी कि जी गर्मी आ रहे हैं तो ये है वो है तो एसी लगेगा वो लगेगा, तो मुझे हंसी ये आती है। एक उदाहरण आप मुझे बता दीजिए, मैंने शुरू में ही बोला इस आंदोलन के कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप देखेंगे तो कहीं से ये नेचुरल आंदोलन नहीं लगता है। जहां एसी लग रहे हैं, एसी के लिए तैयारी हो रही है, तुम वो नहीं सोच रहे हो कि इस 50 डिग्री में आज भी गांव में एक किसान बिना बनियाइन डाले हुए और अपने बैल के साथ हल लेकर के 50 डिग्री टेम्परेचर में जो है वो खेत चला रहा है। तुम उसकी बात नहीं कर रहे हो, तुम किसान के नाम पे ये बोल रहे हो कि हमें आंदोलन करना है तो गर्मी न लगे तो हम एसी लगाएंगे। ये किसान के हित की बात कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे 1500 लोग बैठ करके एसी लगा करके। ये मिश्रा किसान जी, है, मैंने आपसे इसीलिए भी बोला है। ये किसान एक कम है सवाल इनके। पूछना हाँ है। पूछिए। राजस्थान के किसान है लेकिन इन्होंने आप पे सवालिया निशान लगाया है। ये बोलते हैं एके मिश्रा जी का देश और किसान और खेती में क्या योगदान है, हम श्रोता जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार कर लूं, अच्छा हुआ। देखिए है क्या, हो सकता है आप लोग मुझे बहुत सारे टीवी चैनल पे देखते हो तो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज मुझे समझने की कोशिश ना करें, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं अपना परिचय दे देता हूँ, मैं एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ। इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक गाँव है, उसको अकोढ़ा बोलते हैं, वहां पे ठीक सेंटर में है। और जब हम पैदा हुए तब नहर नहीं थी वहां पे, सौभाग्य से बिजली केवल मेरे घर थी, सड़कें नहीं थी, पगडंडियां हुआ करती थी और चलने के लिए बमुश्किल साइकिल होती थी, अदरवाइज घोड़े तांगे ये सब चीजें होती थी। रही बात किसानों के मामले में हमारा योगदान क्या है, तो जब से हमने पैरों पे खड़े हुए, हमारे दादा किसान के जितने काम होते हैं, खेत जोतने से लेके बोने तक, गन्ना ये सारी चीजें, धान के टाइम पे बेहन हम लोग सर पे उठा करके खेत में ले जाके छींटते थे, फेंकते थे, तालाब में हम लोग गायों को बैल को नहलाते थे, पशुपालन भी करते थे और किसानी करते थे। हमारा शेड्यूल ये होता था कि सुबह उठ करके सबसे पहले हम लोग जो गोबर होता था, पशुशाला में लगभग 15-20 जानवर होते थे, उनके गोबर को उठा के एक निश्चित जगह पे फेंकते थे हम लोग, उस गोबर से कंडे बनते थे, और या फिर वो बाद में गोबर गैस आई तो गोबर गैस में हम लोग घोल के डालते थे। उसके बाद हमारा शेड्यूल शुरू होता था कि थोड़ा बहुत खाना खा के, अगर हमें रस्सियां बनानी होती थी तो हमारे दादाजी सुबह उठा के, वो एक पौधा होता है खेती में ही होता है सनाए, उसको सड़ा करके उससे हम लोग रस्सियां बनाते थे। अदरवाइज अपने अपने जानवरों को लेके हम लोग 12 बजे तक के लिए हमारी ड्यूटी लग जाती थी, गायों को भैंसों को चराते हुए, फिर उनको नहलाते हुए हम लोग आते थे यहाँ पे। फिर उसके बाद जब दवाई वगैरह शुरू होती थी, गेहूं वगैरह का थ्रेसरिंग वगैरह का काम होता था, सारी चीजें होती थी, गन्ना गन्ने से गुड़ बनाना, गन्ने की बुआई से लेके गन्ने से गुड़ बनाने तक की सारी प्रक्रिया को मैं जानता हूँ। और केवल एक दिन का नहीं है ये शेड्यूल कि हम गए हीरो हीरोइन की तरह फोटो शूट करके चले आए, देखो जी मैं खेत में खड़ा हूँ, ये हमारे रूटीन का शेड्यूल होता था। और ये टाइम उस वक्त था, अगर आप किसान हैं तो आप जानते होंगे कि बाग में या खेलते हुए हम चप्पल उप्पल कोई नहीं पहनता था, मैं केवल एक हाफ पैंट हम लोग पहनते थे, अगर चोट लग जाती थी तो उस पे दवा नहीं लगाते थे, वो चोट जी नेचुरली, वो अंगूठे के नीचे फट जाता था पत्थर लगने से, जी तो वो जी चोट नेचुरली फिट होता था, हम लोग उस पे मिट्टी ही डाल लेते थे। तो जो एक भारतीय किसान होता है वो हमने किया हुआ है, और मुझे फक्र है कि आगे की जनरेशन को ये सब चीजें नहीं दिख रही है, बिल्कुल लेकिन वो सर, जो ट्रेडिशनल खेती और किसानी होती है, बैलों के साथ जो खेती और किसानी होती है, वो सारी चीजें हमने की हैं, तो ये मेरा योगदान रहा है। आज लाइफ स्टाइल बदल गई है, लेकिन मैं आत्मा से किसान हूं, तो मैं इतना योगदान जरूर कर रहा हूं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है किसानों के लिए, जो मैं समझ पा रहा हूं उसका मैं फेवर कर रहा हूं। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, मैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अगगर मुझे पता नहीं आपका राजनीतिक विचार क्या है, राजनीति से जरा आप हट के देखेंगे तो डेफिनेटली जो बातें हम लोगों ने की है वो आपके खुशहाली के लिए की है। मैं यहाँ अपने मगन जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मिश्रा जी का जवाब मिल गया होगा। हालांकि ये जवाब आपने उनसे नहीं, मेरे काम पर भी आपका क्वेश्चन मार्क था कि मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने शो में पैनलिस्ट ले आती हूँ। आप एके मिश्रा जी को अगर गूगल करेंगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा उनका। और मुझे खुशी है अपने सब व्यूवर्स को ये बताने के लिए कि एके मिश्रा जी हमारे साथ सिर्फ किसान आंदोलन के सब्जेक्ट पर ही बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे पास देश हित में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी मुद्दे होंगे, एज ए पैनलिस्ट वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारा उनके साथ पहला शो है। और ऐसा नहीं है कि जो जो फैक्ट के साथ बात करता है हमारे शो में वही आता है। और आप लोगों ने पहले भी अप्रिशिएट किया है, आप आगे के भी शो आई एम श्योर आप अप्रिशिएट करेंगे। शुक्रिया मगन जी, उन्होंने थैंक्स लिखा है मिश्रा जी।
अनिल शुक्ला जी का एक मेरी सवाल तरफ है, से। जी अनिल शुक्ला जी का एक सवाल है, किसानों की आय बढ़ानी है इससे कोई असहमत नहीं है देश में, परंतु इसके लिए क्या उन्हें हानिकारक कीटनाशक, रासायनिक खाद, पशुओं को इंजेक्शन से दूध निकालने जैसे तरीके अख्तियार करके आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता दिखाना सही था? वो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए देखिए, मैं शुक्ला जी, ये बड़ा क्वेश्चन जेन्यून है, लेकिन इसका जो है किसान बिल से या जो एग्रीकल्चर बिल है कोई संबंध नहीं है। ये लाइफ स्टाइल और साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ड्रग्स के, मेडिसिन के, या विज्ञान की उन्नति के, साइंटिफिक प्रोग्रेस के जो साइड इफेक्ट होते हैं ये होते हैं। देखिए होता क्या है, कोई नई चीज बनती है, जैसे पेंसिलिन बनी तो उसको वंडर ड्रग बोला गया था, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है ये कुछ दिनों के बाद हम लोगों को पता चलने शुरू होते हैं। तब तक, जब तक कि इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं कि भाई ये सब चीजें कार्सिनोजेनिक है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब पूरी सोसाइटी उस चीज को एडॉप्ट कर लेती है। और जब तक इसके नुकसान आने शुरू होते हैं, तो अब फिर एक मुहिम चल गई है। हम लोगों ने शुरू में ही बोला था अनिल जी कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ दुनिया लौट रही है, कि भाई केमिकल चीजों का कम से कम प्रयोग किया जाए, प्राकृतिक रूप से सारी चीजें की जाए। लोगों को, इंसान को अब समझ में आने लगा है। और अब तो मैं आपको बताऊं, पहले रासायनिक खाद मिलते थे, अब जो है आपको नेचुरल उर्वरक, यानी कि गोबर से बने हुए पत्तियों को सड़ा के, पराली को सड़ा के जो उर्वरक जी बनते हैं, उन चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मुझे लगता है अगले 10-15 सालों में आप ये देखेंगे ऑर्गेनिक फूड मार्केट में मिलने शुरू हो गए हैं, और ये फिर पूरा, मतलब ये एक हॉबी बन जाएगी, लोगों की लाइफ स्टाइल ये बन जाएगी। लेकिन आपने जो कंसर्न उठाया है वो जेन्यून है, एंड आई एम रियली वेरी मच अप्रिसिएटिंग टू यू एंड थैंकफुल टू यू कि आप कंसर्न है इस चीज को लेकर के, समझ रहे हैं। मिश्रा जी, आपने यहाँ कहा कि ऑर्गेनिक खेती का जो एक सिस्टम हमारा बैक टू रूट्स आएगा, लेकिन इसमें भी एक बात है, अब जो केमिकल्स हैं ये सस्ते मिलते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लेने जाते हैं उनकी कॉस्ट कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वो वक्त कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो रातों रात या 10 दिन 15 दिन में वो खेती नहीं हो जाती है महीने में, तो उसके ऊपर फिर आने वाले टाइम में होगा कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सस्ते क्यों नहीं हो रहे, इसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, ये आपने बहुत माइक्रो लेवल का क्वेश्चन पूछा है। अगर ऑर्गेनिक खेती वगैरह या नेचुरल चीजों को हम अपनाएं ना, तो हम शायद सोने की चिड़िया बन जाएंगे, फिर रोजगार की कमी नहीं होगी। देखिए, बहुत तेजी से उपभोक्ताओं की जरूरतों को जब आप पूरा करेंगे, तो उसके लिए हमें मशीनों की जरूरत है, नो डाउट। लेकिन जी भारत जब कभी सोने की चिड़िया थी, तो वहां ऑर्गेनिक खेती होती थी। देखिए, ऑर्गेनिक खेती में टाइम ज्यादा लगता है, तो ये सोसाइटी के लिए बूम है। आपको ज्यादा आदमी चाहिए, आपको ज्यादा लेबर चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, जी जमीन की कमी है नहीं, तो जब आपको ज्यादा आदमी, ज्यादा लेबर चाहिए, तो सबके हाथ में काम आएगा, पैसा आएगा, रोजगार आएगा, गाँव का आदमी गाँव में ही रोजगार पा जाएगा, ये बेनिफिट है। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं आपको बोलता हूँ कितना हमें उत्पादन करना है, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसी हिसाब से ज्यादा भाई आप मनरेगा चला रहे हो ना, मनरेगा में क्या हो रहा है, एक तालाब है उसी को खोद के फिर तालाब बनाओ, तो उससे जी बेटर है कि आप ऑर्गेनिक खेती वगैरह करिए, कि गांव के लोगों को गांव में ही, भाई हमें ज्यादा उत्पादन करना है तो ज्यादा खेती होगी, तो उसमें क्या बुराई है, सबको रोजगार मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आज दूध बहुत महंगा पड़ गया, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का प्रैक्टिकल ये जो है आंसर है, दूध बहुत महंगा हो गया। क्यों दूध महंगा हो गया जी? पेट भरना है तो गाय और दुधारू पशुओं को काट के उनका मांस खाओ और एक्सपोर्ट करो, हाँ, और फिर उसके बाद चिल्लाओ कि बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो गांव की व्यवस्था की थी, मनु मैम आप कभी बात कीजिएगा, ऐसा नहीं जी है कि उस वक्त नगर नहीं बसाए जाते थे, उस वक्त भी नगर बसाए जाते थे और बड़े भव्य नगर होते थे, लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो व्यवस्था की गई पॉपुलेशन को कहाँ कहाँ बसाया जाए, गांव की व्यवस्था की गई, हर गांव अपने आप में एक मिनी और सेल्फ सफिशियंट माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम होता था, गांव की सारी जरूरतें गांव में ही पैदा होती थी, वहीं पे जरूरतें पूरी हो जाती थी, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी को। तो ऑर्गेनिक खेती अगर आती है, जो मैंने आपको बोला कि बच्चे को पीने के जी लिए दूध नहीं है, लेकिन दुधारू जी पशुओं का जो है आप खाल बेचेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें वो होना जरूरी है, तो ऐसा विज्ञान नहीं चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खेती होती है, तो उसके बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट होंगे और इनडायरेक्ट बिल्कुल, आपने सही कहा कि भी। ऑर्गेनिक न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है, हमारे समाज के लिए भी उतने ही बेहतरीन है। और आपने अभी कहा मिश्रा जी, मैं अपने व्यूवर्स को आज ही अपने शो के दौरान बता दूं कि हम बहुत जल्द मिश्रा जी के साथ एक शो शुरू करने वाले हैं, भारतीय जीवन पद्धति, जिसका टाइटल होगा और बैक टू रूट्स, तो उसमें हम उस परंपरा से ही शुरू करेंगे कि जब ना तो शहरीकरण हुआ था, गांव गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। आज हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है, लेकिन भारत सदियों से आत्मनिर्भर रहा था, तो
इसी विषय पे हम एपिसोड लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। तो मिश्रा जी, मेरा एक इसको आखिरी सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं दर्शकों को, जी ये एपिसोड कमिंग जो आपका है क्यों देखना चाहिए। देखिए है क्या, जी हम लोगों को जो बोला जाता है ना कि हम लोग जी फैशन में हम पीछे हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले आगे हैं, हम मॉडर्न नहीं है, हम पिछड़े हैं, ऐसा नहीं है। जब आप ये शो करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भारतीय लाइफ स्टाइल इतनी एडवांस रही है, इतनी मॉडर्न रही है ना, हमारे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल रही है कि उतनी मॉडर्निटी आज की डेट में हॉलीवुड के तो जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री हैं, हीरो हीरोइन, वो भी उतनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं जितना स्वतंत्र और मॉडर्न और नैतिक लाइफ स्टाइल हम लोग जीते थे। ये और इकोनॉमिक और प्रॉस्परस लाइफ स्टाइल जो हम जीते थे, ये हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। इसलिए आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो मिस ना करें, इसको देखिएगा जरूर। ऐसा ऐसा था मिश्रा जी, इसी वजह से तो इन्वेडर्स अट्रैक्ट होके भारत में आए थे। यही तो एक रीजन जी था, क्योंकि उन लोगों के पास वैसे वो चीजें नहीं थी जो हमारे पास थी। अरे मैं बुलाने पे लोग बर्थडे में नहीं जाते हैं, शादी में नहीं जाते हैं, जी और वो बिन बुलाए यहाँ पे चले जाते थे। तो और राज सोचिए ना, करके कुछ तो जाते अट्रैक्शन थे। था, नहीं कुछ अट्रैक्शन था ना, तभी तो आते थे। यस जी बिल्कुल, नॉट ओनली आते थे, लूट खसोट के, लूटपाट करके, हमारे समाज को डिस्टर्ब करके, हमारे एजुकेशन को सिस्टम करके वापस गए, और आज हम उन्हीं का महिमामंडन अपनी किताबों पे पढ़ रहे हैं जो हमें बर्बाद करके चले गए। देखिए धन लूटना तो दूसरी बात थी, इनको जब ये हमारे टच में आए, असली सिविलाइज्ड ये तब हुए, बहुत सारी चीजों का ज्ञान नॉलेज इनको तब हुआ जब इन्होंने इंडिया को इन्वेट करना शुरू किया। आप ये देखिए, मुगल थे ना, बाबर जो मुगल यहाँ रह गए, उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ का इकोनॉमिक, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर और यहाँ के जो ताना बाना था, मौसम, बाबर वगैरह को यहाँ का मौसम इतना पसंद आया ना कि वो बोला कि भाई हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ के पीछे बसने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, ऐसे ही कोई नहीं बस गया था। अंग्रेजों ने जी बहुत सारी चीजें हमसे सीखी। मैं अपना आखिरी मिश्रा जी, उससे पहले शुक्ला जी ने एक कहा है, बहुत सुंदर जवाब है, ऑर्गेनिक खेती के जी हुनर को मेरा बढ़ाने से नमस्कार। संबंधित पशुओं की हत्या से भी बचा जा सकता है। शुक्रिया अनिल जी, आप वैसे तो हमारे लगातार हमारे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, मुझे नहीं पता इस वक्त वहां पे क्या टाइम होगा, हो सकता है 10-12 घंटे का इंडिया से डिफरेंस हो, तो आपके पास सुबह हुई होगी अभी। तो मिश्रा जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राकेश टिकैत ने डिक्लेयर किया है, 26 जनवरी हम सबने देखा, उन्होंने 2 अक्टूबर का टाइम मांगा है, सुप्रीम कोर्ट से जो कमेटी बनी किसान नेताओं ने उसको मानने से इनकार कर दिया, ना उनके पास जाएंगे ना अपने मुद्दे रखेंगे, और जब तक किसान बिल खारिज नहीं हो जाते तब तक सरकार से कोई बात नहीं करेंगे, ये उनका अल्टीमेट देखिए बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आखिर में क्या निकल कर आएगा? सरकार बैकफुट पे है, सरकार को झुकना चाहिए। नहीं, सरकार को नहीं झुकना चाहिए और ये सरकार झुकेगी भी नहीं। उसके पीछे मैं एक लॉजिकल आंसर आपको दे देता हूं। जी धारा 370 हटाना सबसे टिपिकल टास्क था, सबसे टिपिकल जी टास्क था। अगर सरकार उस पर नहीं झुकी है तो एग्री बिल पे अगर राकेश टिकैत जी ये चाहते हैं या ऐसा ख्वाब देख रहे हैं तो वो ये इसका एग्जाम्पल देख ले, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, राकेश टिकैत क्या है। देखिए मैं मानता हूं भाई आप विरोध में हो, पक्ष में हो, आप हैं अपने पड़ोसी, अपने भाई हैं, अपने ही देश के लोग हैं, शायद राकेश टिकैत इस वक्त सम्मानजनक वापसी चाहते हैं। तो यहाँ पे सरकार को भी, मीडिया के लोगों को भी एक ऐसा बीच का रास्ता आना चाहिए कि जो कि इनके टिकैत साहब के सम्मान को भी रखे। हमें कोई ऐसा द्वेष नहीं है कि हमें इनको खत्म कर देना है, हमें इनको जलील करना है, हमें किसी को जलील नहीं करना है, आपको हमारे साथ ही रहना है, लॉजिकल डिफरेंस हमारे साथ है। लेकिन सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी, राकेश टिकैत जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, सब जगह घूम के चले आए हैं। और अगर आप वाकई में राष्ट्र हितैषी हैं, किसान हितैषी हैं टिकैत जी, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप इन चीजों को मानिए और परिवर्तन अपनी आंखों से देखिए। किसानों के अंदर, किसानों की लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन हो रहा है। आपके पास 400 एकड़ की जमीन है, 8 पेट्रोल पंप है, चार ट्रैक्टर नहीं, गलत बोल दिया, एक ट्रैक्टर, 4 मर्सिडीज, मैं अपने बातों से पलटता नहीं हूँ, तो खड़े हैं। मैं वेस्टर्न यूपी की ही बता रहा हूँ, बहुत सारे गाँव में मैं जाता हूँ, मेरे जान पहचान के लोग हैं, वाकई में कंडीशन अभी खराब है किसानों की। उनको इनकम की, उनके इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है, उनकी लाइफ स्टाइल सुधरे, उनको दवाओं की जरूरत होती है, इन सब चीजों को ये लोग नहीं देख रहे हैं। राजनीति ज्यादा कि हमारी बात को माना जाए, देश झुक जाए, देश को झुकाने की जिद को छोड़ दीजिए सर। देश को कैसे मजबूत बनाए, देश के हर लोगों को कैसे मजबूत बनाए, आप हर तरीके से संपन्न है, उन लोगों को भी थोड़ा सा संपन्न होने दीजिए जो हाशिए पे पड़े हुए हैं। अपनी जिद के आगे उन लोगों को आप बर्बाद मत करिए, मैं यही बोलूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने इतने अहम मुद्दे पर इतना खुलकर पॉइंट टू पॉइंट इसको एक्सप्लेन किया। डे फर्स्ट से किस तरह से शुरुआत हुई एक तरह से किसान आंदोलन की, क्या वो रूप लेता रहा है, क्या क्या चीजें उसमें मिक्स होती थी, क्योंकि ये एक डिबेट का काम नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हुआ जिन पे कई कई शोज निकल सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को हवा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो ना तो हमारे किसानों के फेवर के हैं, ना हमारे सरकार के फेवर के हैं, ना हमारी जनता के जी फेवर के हैं। तो अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू मानुम, थैंक यू, आपने हमें बुलाया, हम आपके बहुत एहसान मंद हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप कंटिन्यू, थैंक थैंक यू। यू। तो ये थे हमारे आज के मेहमान एके मिश्रा जी, जो कंसल्टेंट है, विश्लेषक है मोस्टली हर सब्जेक्ट पे। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसान रह चुके हैं, बचपन उन्होंने जिया है, उनको पता है कि किसान को किस दर्द तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता है। और यही वजह है कि वो किसान बिल का समर्थन करते हैं, कि वो चाहते हैं कि जो हाशिए पर जो हमारा 50-60% का जो किसान है, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो राज्य सरकार की वजह से ना पहुंच पाती हो, केंद्र और राज्य सरकारों के अपने डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन उसमें हमारे किसान को प्रॉब्लम होती है। तो उन चीजों के लिए सबको एक मंच पर आना चाहिए। एक मंच पर आने के साथ साथ इसके सभी अच्छे पहलुओं को अपने किसान भाइयों को बताना चाहिए, ताकि एक बार एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक दो साल बाद अगर लगता है किसानों को कि ये उनके फेवर की बात नहीं है, तो वो सरकार से डिमांड कर सकते हैं फिर से। और 2024 इलेक्शन तो है, लोकतंत्र है हमारा देश, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कोई भी जन आंदोलन अगर वो जेन्युइन है, तो वो एक लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती होती है कि जनता अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर आ सकती है। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई डंडा, कोई इस तरह का एक अग्रेसिव एटीट्यूड सरकारें नहीं अपनाती हैं। तो हमारे हमारे लोगों के लिए तो मंच हमेशा ही से खुला है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसको वापस भी किया जा सकता है, ये भी कोई इश्यू नहीं है, कोई ये अना का इश्यू नहीं है। तो 1360 विद मनु में ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए 1360 विद मनु। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का जिन्होंने हमें लाइव भी देखा और अपने सवाल भी पूछे, अच्छे सवाल, बुरे सवाल सभी पूछे। और हर तरह के सवाल का आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, गुड नाइट।